अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सबको रमजान मुबारक हो। ये एआरवाई और जीतो पाकिस्तान का 11वां रमजान है। मुसलसल 11 साल से आप लोगों में खुशियां बांटते हुए, आपके सामने मुस्कुराहटें बिखेरते हुए कोशिश करेंगे कि इस साल भी आप लोगों को उतना ही एंटरटेन करें, उतनी ही खुशियां बांटें, उतनी ही चीजें आप लोगों के सामने लेकर आए, चाहे वो सोना हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक्स हो, आप सब लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। तो सारे खड़े होकर तालियां बजाएंगे और ये बीट खड़े हो जाए, सारे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सारे खड़े हो जाए। जीतो पाकिस्तान लीग की शुरुआत हो गई है, शुरुआत करेंगे सारे मिलके। जीतो जीतो, तो फिर शुरू करें क्या? तो बुलाने जाएंगे हमारे सबसे पहले कप्तान को, प्लीज वेलकम गुजरांवाला की जान, द वन एंड ओनली एजाज असलम। ओए हाय, गुजरांवाला बॉल्स एजाज असलम, बॉल्स की तरफ से तालियां होनी चाहिए एजाज भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हर दिन और हर छोटे दिन की खुशी आप सेलिब्रेट करें वॉल्स के साथ। इजाज भाई कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमजान मुबारक। सारे मिलके बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम। सर क्या चल रहा है, क्या करेंगे इस साल? क्या चेंज आया सेट में? सेट अच्छा लग रहा है आपको? जबरदस्त। वो देखिए, वो चांद, वो सितारा, वो रोशनियां, वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। जंगल में मंगल किया है आज हमने। जबरदस्त सेट कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमारा अच्छा सेट लग रहा है, वेरी गुड। अब इस सेट पे चार चांद लगाने के लिए मैंने इस साल जिस खूबसूरत इंसान को बुलाया है, वो स्पेशली इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रही हैं। हमारे शो पर पहले बहुत बार एज गेस्ट आई हैं, कप्तान आज पहली बार बनेंगी। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली इस्लामाबाद की कप्तान कुबरा खान। क्योंकि डाउलेंस रिलायबल है और कुबरा भी रिलायबल है। हेलो कुबरा, ताली होनी चाहिए कुबरा के लिए। कुबरा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? नर्वस तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम। नर्वस तो नहीं है? थोड़ी सी हूँ। क्यों नर्वस हैं आप? आज आपका मैच एक ऐसे प्रो के साथ है जो बचपन से जीतो पाकिस्तान खेल रहे हैं, लेकिन जीते कभी नहीं। जीते कभी आप? जीता लेकिन फाइनल नहीं। फाइनल में जीते नहीं ना, लेकिन आप तो आज के मैच में आप लोग किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? जो कुबरा को सपोर्ट करने जा रहे हैं, जरा तालियां बजाइएगा। और जो इजाज भाई को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तालियां बजाइएगा। बराबर है, ये मुझे लग रहा है कल वाला मैच है कराची और पिशावर का, जिसमें कराची के लिए चीखे तो भी कराची वाले तन्नारे मार रहे थे और पिशावर के लिए, हमें समझ नहीं आती कि हम लोग हैं एक्चुअली किसकी तरफ। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट आप दोनों को, देखते हैं कि आज आप लोग क्या कर पाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं, हम चलते हैं अब। कुछ नया होने जा रहा है, यानी कि मेरे पास होगी मेरी अपनी जंजील। अब देखते हैं कि इस जंजील में से क्या निकल सकता है। इसमें से बाइक्स निकल सकती हैं, इसमें से सोने के कॉइन्स निकल सकते हैं, इसमें से सोने की इयररिंग्स और सोने की अंगूठियां भी निकल सकते हैं, मोबाइल फोन्स भी निकल सकते हैं, और हो सकता है कुछ और भी निकल जाए। तो बताइए किस तरफ आएंगे। लाओ भाई, लाओ लाओ भाई, सवालों का सिलसिला करेंगे शुरू। देखो भाई, अब मुझे पता नहीं है जमील में से क्या निकलेगा, लेकिन जवाब अगर आप सही दे देंगे तो जमील में से कुछ ना कुछ निकलेगा ही। पहला सवाल करने जा रहा हूं, कौन है वो अकलमंद जो हमें सवाल का जवाब देना पसंद करेगा? जैसे कि ये मेरी बहन सवाल का जवाब देंगी। माई दो, क्या नाम है मेरी बहन आपका? बुशरा। बुशरा, ब्लड प्रेशर को उर्दू में क्या कहते हैं? जी नहीं, ब्लड प्रेशर को उर्दू में, चुप करके बैठा, ब्लड प्रेशर को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं पता, आगे बढ़े के भाई सबील में। एक मिनट, मैं आप लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं चाहता, देखते हैं जमील में से आपके लिए क्या निकलता है। और स्मार्टफोन निकल आया है। इस सवाल के जवाब पे मिलेगा स्पार्क्स का ये फोन, तो किस तरफ आएंगे? ऊपर आएंगे। ये हुई ना बात,
सवाल मैंने किया है बहुत ही आसान, घर बैठे पाकिस्तानियों आप भी जरा सोचो कि क्या इसका जवाब हो सकता है। ब्लड प्रेशर को उर्दू में क्या कहते हैं? क्या नाम है मेरी बहन आपका? तूबा। तूबा, ये नाम तो मुझे बहुत पसंद है। तूबा, तूबा मुझे बताओ कि ब्लड प्रेशर को उर्दू में क्या कहते हैं? लड़की का अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया है, समझ नहीं आ रही है, और मेरा माइक निकल आया है। माइक को बेटा पाँव में डलवा दो किसी तरीके से, कोशिश कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस छोड़ दो। हाँ भाई, ब्लड प्रेशर को उर्दू में, अंकल मुझसे नजरें चुरा रहे हैं लेकिन अंकल को हम नहीं छोड़ेंगे। अंकल क्या नाम है आपका? मोहम्मद बनारस। ये भी भूल गए थे। अच्छा बताइए, ब्लड प्रेशर को उर्दू में क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं। भाई ब्लड प्रेशर को उर्दू में बीपी कहते हैं, ठीक है, ये अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आदि, कैसी हैं आप? आपको लगता है मैं आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में पूछूंगा, ऐसा ही है ना? नहीं, मैं आपसे तीन का टेबल सुनूंगा। तीन का टेबल सुना दे। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, तीन छह अठारह, तीन सात इक्कीस, तीन आठ चौबीस, तीन नौ सत्ताईस, तीन दाई तीन। क्या बात है, ये लीजिए मोबाइल आपका। अब मेरी जंबील से क्या निकलने वाला है ये मुझे सोचना है। तो भाई चेक करते हैं कि क्या है आज की हमारी जंबील में दूसरी चीज। और ओहो, सोने की अंगूठी निकल आई है। तो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल कौन सही तरीके से हमें बूझ पाता है। हटो, सामने से हट जाओ फटाफट से। हाँ भाई, सोने की अंगूठी चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए। चलें फिर सवाल का जवाब दें। तो सवाल है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, ब्लड प्रेशर को उर्दू में क्या कहते हैं? खून की रवानी का तेज हो जाना। खून की रवानी? नहीं 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 नहीं, करीब करीब है, करीब करीब है। अस्सलाम वालेकुम, आपको ये अंगूठी किसके लिए चाहिए? बेगम के लिए। बेगम के लिए चाहिए, वेरी गुड। कहाँ है बेगम? लाए नहीं बेगम, और बेगम के लिए अंगूठी तुम कितने? बेगम का पेपर हो रहा है, वो हमारी बड़ी बेटी है अमानिया, उसके पेपर हो रहे थे तो इस वजह से वो नहीं आ सके। मुझे ये बेगम बहुत अच्छी लगती है जो शादी के बाद भी पढ़ाई को जारी रखती है, इसलिए आपको ये अंगूठी हम वैसे ही देंगे, आप उनको दीजिएगा जाके। क्या नाम है भाभी का? भाभी का शाहिदा। इधर कैमरा नहीं, ये रहा कैमरा। हाँ शाहिदा भाभी क्या पढ़ रही है? मेरी बेटी है 10 में है। वो बेगम क्या पढ़ रही है? बेगम तो घर का काम कर रही है ना, बड़े तेज लेकिन बेटी को पढ़ा रही है। बेटी अमानिया पढ़ रही है, जोया है। जोया है, हाँ, वो क्लास 3 में है। अभी 10 से 3 में आ गई है अभी। एक बड़ी बेटी 10 में है। अच्छा, एक 10 में है और एक 3 में है। कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह, दो बेटियां हैं। माशाल्लाह, खुश रहे आप बाप, बहुत माशाल्लाह से खुशकिस्मत आदमी। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक मिनट एक मिनट, सवाल ये है कि हमारी जमीन में और क्या निकल सकता है? लेट्स सी, अब मेरे पास क्या निकल आया है, धागे भी निकल रहे हैं साथ में, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। और मेरे पास सोने का कॉइन निकल आया है। आप देंगी जवाब? वेरी गुड, तो फिर आप मुझे सुनाएंगी 9 का टेबल। नहीं नहीं, मैं तो ब्लड प्रेशर तेज करने के चक्कर में, 9 का टेबल सुनाए फटाफट से। उर्दू में सुना दूं? आप सिंधी में भी सुना दे, चलेगा। कोशिश करें, हमें समझ भी तो आए। हाँ क्या सुना? 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 नहीं हुआ, इसकी तरफ आना चाहता हूँ मैं, इसकी तरफ आना चाहता हूँ मैं। हट जाओ फटाफट से, हट जाओ फटाफट से, हट जाओ, हट जाओ फटाफट से, सारे हट जाए, क्यों नहीं हो? हाँ भाई, नीचे वाले लोग बहुत सारी तैयारी करके आए हैं, मैं आप लोगों को उदास नहीं करना चाहता। ये लड़का खास तौर पे कल रात से पढ़ाई कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद साकिब। वेरी गुड साकिब, 7 का टेबल सुनाओ फटाफट से। 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 21 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 8 56 9 62। अरे गलत, अरे गलत, सोने का सिक्का देख के ही। अच्छा भाई, अब अगले सवाल पे मैं आपको इस सोने के सिक्के के साथ एक अदद मोटर बाइक भी दूंगा, नेशनल बैंक की मोटर बाइक होगी। अब देखना यह है कि कौन मेरे सवाल का जवाब देगा। तुम्हें आता है सवाल का जवाब? वेरी गुड, कैच करो बाइक। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अर्शियान। वेरी गुड, अब आप मुझे सुनाएंगे 9 का टेबल, चलो सुनाओ। आपने कहा था सवाल चेंज होगा, तो हो गया ना चेंज। ये तो तुम्हारे हालात है, वापस से तो हमारा माइक। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम।
नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसको गए 75 साल। पढ़ी लिखी लड़की, चश्मा लगाई हुई लड़की, क्या नाम है तुम्हारा मेरी बहन? हिना। वेरी गुड हिना, तुम मुझे 9 का टेबल सुना दो फटाफट से। नहीं मतलब बिल्कुल ही, मतलब मसला ही कोई नहीं। ये आपकी कौन लगती हैं? कोई भी नहीं लगती। अच्छा आपके साथ नहीं आए? वेरी गुड। अच्छा अकेली आई हो और टेबल भी नहीं आता है? वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? किरण। तुम्हें आता है किरण? पक्की बात है? 9 का नहीं, नहीं आज तुम 13 का सुनाओ। कोशिश करो। देखो नेशनल बैंक की मोटर बाइक है और उसके साथ ये गोल्ड कॉइन भी है सोने का, तो चलो 9 का सुना दो, चलो देख लेते हैं। 9 × 9 = 18 = 27 = 36 = 36 = 36 = 56 56 का होता है? 56 का होता है? गलत गलत गलत। पाकिस्तान को 11 साल से टेबल सुना रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। अंकल अंकल बैठ जाए, बैठ जाए अंकल, जज्बाती ना हो। अंकल क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद असलम खान। असलम अंकल बताइए, ब्लड प्रेशर को उर्दू में क्या कहते हैं? फिशार-ए-खून। फिशार-ए-खून कहते हैं। आइए आइए, आपको नेशनल बैंक की मोटर बाइक भी देंगे और ये सोने का कॉइन भी देंगे अंकल आपको। चलानी आती है? नहीं। तो मेरे साथ बैठे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 24 साल होगा पूरे 75 साल का, ये हुई ना बात। चले तालियां होनी चाहिए हमारे अंकल के लिए, तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त। ये हुई ना बात। तो बताइए सबसे पहले करशी जावेशीरी की मोटर बाइक कौन जीतना चाहता है? तो फिर लड़कियां कहां बैठी है? लड़कियां आइए आइए कप्तानों, मैच शुरू हो चुका है। 5 नंबर का ये पहला खेल है, हमें चाहिए लड़कियां। गेम क्या है जानना चाहते हैं भाई? गेम क्या है? नट खोलने वाला गेम है, लड़की नट खोलने वाला गेम है। नई लड़की है, ढूंढो प्यारी प्यारी लड़कियां ढूंढो। चाय भाई आवाज निकलेगी तो बुलाएंगे ना। ये हुई ना बात भाई। पाकिस्तानियों अगर आप भी मेरे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपने हमें एक SMS करना है और SMS आपने करना है हमारे इस नंबर पर जो भी स्क्रीन पर चल रहा होगा। खुराब स्क्रीन पर नंबर चलाओ SMS वाला, ताकि लोग जो है वो हमारे शो में आना शुरू कर दें। लड़कियां आ गई हैं? ओके ओके, लड़कियों लड़कियों लड़कियों, करशी जामेशीरी की मोटरबाइक है, 5 नंबर का ये गेम है। ऑल द बेस्ट कहते हैं आपको। क्या नाम है तुम्हारा? महक। महक, और तुम्हारा क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान और महक, अब आपके कप्तान आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं, आप लोगों ने आज इनको लेट डाउन नहीं करना है, इनका पहला मैच है, हो सके तो आज इनके लिए कुछ जरा ज्यादा जान मारना। एंड ऑफ कोर्स तुमको करशी की मोटर बाइक भी मिलेगी। करना क्या है? सबसे पहले आप एक नट खोलेंगे, जैसे ही नट खुल जाएगा आप भागेंगे इस तरफ, यहां से जाके कोई भी एक चाबी आप निकाल लेंगे। चाबी ऐसे निकलती है, ठीक है, ये चाबी निकल आएगी, उसके बाद आप भागेंगे इस तरफ लेके उस चाबी से ये बैग खोलने की कोशिश करेंगे। दो ही बैग हैं, किसी एक में करशी की मोटर बाइक है और कोई एक खाली है। अगर ये नहीं खुला तो वो खुलेगा, वो नहीं खुला तो ये खुलेगा, दोनों नहीं खुले तो दोबारा वापस जाएंगे, फिर नट खोलेंगे, फिर चाबी उठाएंगे और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बैग खुल नहीं जाता। 5 नंबर का ये गेम, वक्त आपका शुरू होता है अभी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो चलो चलो, चाय पिलाओ यार। तालियां कौन बजाएगा लड़कियों के लिए? तालियां कौन बजाएगा लड़कियों के लिए? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वापस 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 वापस, उठाओ बैग, उठाओ बैग, उठाओ, अपने ये चाला मुझे दे दो, जाओ अपने पास रखो, जल्दी जल्दी। एक ही होगी जो अपनी किस्मत का काला खोलेगी, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। ओ ओ जल्दी जल्दी, लेट्स सी क्या होने जा रहा है, लेट्स सी क्या होने जा रहा है, लेट्स सी क्या होने जा रहा है। हटाओ अपनी चाबी, चाबी अंदर डालने की कोशिश करेंगे। ओ
भाई कुबरा के आते ही तबाही हो गई है भाई। ऐसा है ना भाई, कुबरा की टीम के लिए तालियां और चाहिए भरपूर। भाई ये तो तय है कि जीती तो कुबरा है। यू क्या कर रही हो? जो चाबी लिए तुमने वो ये एक चाबी इनके यहाँ भी लगी हुई थी, ये भी निकाल के चेक कर लेनी थी। अच्छा भाई आप सूरत हाल कुछ ऐसी है, इसको खोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मोटर बाइक आप जीत चुकी हैं और ये पांच नंबर का गेम भी कुबरा आप जीत चुकी है। आइए मोटर बाइक पे आइए। किसके साथ आई हो? मेरे साथ आई हो, ये हुई ना बात। चलो आ जाओ बैठ जाओ, करती जामे शीरी सब पीते हैं, तालियां होनी चाहिए। चलने वालों तालियां बजाओ, ये हुई ना बात। क्या बात, तो बताइए कुरकुरे की मोटर बाइक कौन जीतना चाहता है? कहाँ बैठे हैं खाने पीने के शौकीन जिनको घर घरस्ती भी आती हो, क्योंकि यहाँ कुरकुरे की बनेगी चाट और फिर उसको खाना होगा। अब देखते हैं कौन ये चाट अच्छी से बना के खाएगा, वो ही लेकर जाएगा यहाँ से कुरकुरे की मोटर बाइक। कुबरा हमें चाहिए एक ऐसा कपल जो के एक अच्छी सी चाट बनाए और उस चाट को फटाफट से खा जाए कुरकुरे के साथ। तो आप एक कपल ढूंढे अपनी मर्जी से, आप इस तरफ और आप इस तरफ। जल्दी हाँ भाई, कपल कहाँ बैठे हैं? कपल कहाँ है? कपल चाट पर कुरकुरे का आप लगा मसाला भाई, तुम ढूंढो। आप ढूंढे? मैं क्यों ढूंढ? मैं नहीं ढूंढ रहा। नो आइए, कपल नहीं है यार उस साइड पे, मेरा मसला नहीं है। तुमने कुबरा तो वो कौन है पीछे जो खड़े हुए हैं? पीछे वाले कौन है? कोई बात नहीं, नहीं आइए कुबरा, कुबरा समझ जाएगी। कुबरा इशारा प्रिसाइज करना होगा, हो सकता है थोड़ा सा जरा मसला हो गया, बट नेवर माइंड, टेंशन की बात नहीं, ये तो ठीक है ना, ये तो चलेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, मेरी बहन माइक दो इनको फटाफट से, और इस तरफ भी आ गए, तुम इस तरफ आ जाओ, ये तुम्हारे लोग हैं और वो इजाज भाई के लोग हैं। बड़ा ही सिंपल सा गेम है, कुरकुरे का एक पैक आप लोगों के सामने मौजूद है। हेलो भाभी एंड भाभा, कुरकुरे का एक पैक आपके सामने मौजूद है, उसी पैक को आप निकालेंगे और उस पैक में आप चने चटनी ये आलू ये दही मसाला सब मिक्स करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे खा जाएंगे। जितना जल्दी आप लोगों ने ये टास्क किया और जितनी सफाई से किया उतना ही ज़्यादा मौका मिलेगा आपको कुरकुरे की तरफ से ये मोटर बाइक जीतने का। समझ आ गई ये बात? क्या नाम है मेरी बहन आपका? और आपका क्या नाम है सर? क्या लगती है ये आपकी? शर्मा की रहे हो, ठीक है बीवी तो कर ली है। हाँ भाई भाभी माइक उठाए। भाई क्या नाम है आपका? दुआ। और आपका? जानजेब। जानजेब आपकी दुआ पूरी हुई है कि नहीं हुई है? मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ आएगी। चलो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये ऐसा बहनें ऐसा करती हैं, बीवियों को आने ही नहीं देती हैं, ये बड़ी पुरानी हमारी रिवायत है। अच्छा आप सूरत हाल कुछ ऐसी? हाँ आई हैव अ क्वेश्चन, दे आर सेइंग कि बैग में डाल के सब कुछ खाना है। ये आप यहाँ से काटेंगे, इसको खोलेंगे, इसके अंदर चीजें डालेंगे, मिलाएंगे, 10 सेकंड में ये चाट बन जाती है। हाँ और फिर खा जानी है। वक्त आपके पास 1 मिनट का, आपका नहीं हट जाओ यहाँ से, नहीं कुरकुरे के पैकेट में डालना है कैंची में डाल के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलो जल्दी जाकर कुरकुरे का आप लगा मसाला। आप देखते हैं क्या कर पाते हैं ये लोग। ओ हेलो, 11 साल हो गए हमारे शो को, अभी तक अगर आप नहीं आए तो फिर कब आओगे? हाँ भाई जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत आला कुबरा इजाज भाई अभी तक रेसिपी बनाने में ही मसरूफ है, ये मामला कुछ हो नहीं पा रहा है उनसे। मुखीस शेफ है इजाज भाई, जल्दी जल्दी, बहुत आला बहुत आला, जो भी कर रहे हैं ये देखो, ये निकाल निकाल के दे रही है चीजें, लड़की बहुत तेज है। कुरकुरे के साथ चाट इतनी अच्छी लगी है, सारे मिलके काउंट डाउन देंगे, 6 5 4 3 2 1। बस हाथ रोक दो, हाथ रोक दो, दुआ के भाई और इसके मियां। हाँ भाई क्या लगता है, मैं किसी ना बाहर के जज को बुला के ये मामला सेटल करवाना चाहता हूं। ये ग्रीन कपड़ों वाली आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जल्दी आ जाओ, कम ऑन लड़की जल्दी जल्दी। क्या नाम है तुम्हारा? उरूज। आ जाओ उरूज, अब देखते हैं तुम इनको उरूज देती हो या जवाल देती हो, ये तुम्हारे ही हाथ में है।
तुम्हें लगता है जिन्होंने सबसे ज्यादा चाट खाई हो, पैकेट चेक कर सकती हो कैंची से, ऐसे ये लो, ये तुम्हारा आला है, इसको खोल के चेक करो, खोल के चेक करो, आले से चेक करो ना, हाथ थोड़ी लगाना है ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड, वो काफ़ी सख्त है टीचर। अब इस तरफ आ जाओ, अब इस तरफ आ जाओ, हाँ भाई खोल के दिखाओ, उंगलियाँ चाटना बंद करो, खोल के दिखाओ, हाँ भाई वो नाइस, क्या लगता है तुम्हें ये वाले, इसका मतलब है कुरकुरे की बोर्ड बाइक इनको जाएगी, क्या बात है, हाँ बैठो, हाँ बैठो, ये कुबरा आते ही छा गई भाई, बैक टू बैक दो मैच जीत गई 10 पॉइंट्स के साथ, आइए बैठिए 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 बैठिए, आइए भाभी आ जाइए, नहीं आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, भाभी बैठ जाए घर जाके, ये चलो धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, चाट और कुरकुरे का आप लगा मसाला छोड़ दो, बहुत आला, ये हुई ना बात, तो बताइए फीक होटल की बोर्ड भाई कौन जीतना चाहता है, मुझे चाहिए लड़के, इजाज़ भाई, इजाज़ भाई मजा नहीं आ रहा मुझे लगता है आज, मुझे भी नहीं आ रहा, क्यों हार रहे हैं ना आप, उनसे पूछे सारा मजा उनको आ रहा है, अब चुन के कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो ताकि कुछ हो जाए, कुबरा चुन के कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ, अब मैं तुम्हें ये बोलूंगा फिर बात कहीं और चली जाएगी, नहीं नहीं गेम के लिए लड़का ढूंढो, कहां बैठे हैं लड़के, हाँ भाई कुबरा ढूंढो, सारा स्टूडियो तुम्हारा है, गेम लड़के हथौड़ा मारेंगे, अच्छा जानदार लड़के, स्ट्रॉन्ग, यस स्ट्रॉन्ग लाइक जे जे, ओ सॉरी स्ट्रॉन्ग लाइक उबैद खान, हाँ वो वाला बेटा, स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग पत्ती नहीं चाहिए, चाहेगी बैठ जाओ तुम, हाँ भाई वो ढूंढो कुबरा, अच्छा कुबरा के लिए सारे स्ट्रॉन्ग होने को तैयार हो गए ना, मतलब हाँ भाई आवाज बजाओ बड़ा बच्चे, ढूंढो मीजान की इफ्तारी के बाद हम ढूंढ रहे हैं फीक होटल के लिए लड़के, कुबरा क्या किया, अब देखना ये, अच्छा भाई अगर इन दोनों से ये टास्क पूरा नहीं हुआ तो ये मोटर बाइक आप में से किसी को ऐसे ही बांट दी जाएगी, तो सारे मिलके बोलेंगे पाकिस्तानियों, ये हुई ना बात, अच्छा भाई तो शुरुआत कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ अपना एड्रेस और फोन नंबर दे रहे हैं, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका, मोहम्मद हारिस, हारिस भाई आपका क्या नाम है, अच्छा ये आप लोगों ने एक टाइप के ही दो लड़के बुलाए, वैसे आपस की बात है, ये टाइप लग रहा था, अच्छा भाई सूरत हाल कुछ ऐसी है, आपको हम डेमो देंगे कि ये गेम कैसे होगा, अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको यहाँ से मिलेगी एक अदद मोटरबाइक, और मोटरबाइक होगी वीगो टेल की, आसिफ आ जाओ फटाफट से, आ जाओ चल जल्दी आ जाओ, ऐसे आपको ये गेम खेलना है, ये देखिएगा नीचे वाले कुशन पे मारेंगे, ऊपर वाला कुशन गिरना नहीं चाहिए, आखिरी टाइम तक ऊपर वाला कुशन ऐसे ही रहना चाहिए, कम से कम टाइम में ये टास्क पूरा करना है, जिसने कम से कम टाइम में किया वो यहां से निकल जाएगा वीगो टेल की मोटर बाइक, आओ पुगम करेंगे, आ जाओ पुगम करेंगे, पहले आप पुगम कैसे, दोनों पुगम साथ करेंगे, हाँ लेट्स सी एक बार फिर, एक बार आप खेलेंगे, आइए लड़के की बात सही साबित हुई, वक्त आपके पास एक मिनट का है, कम से कम टाइम में करना है, ओके एक दो तीन स्टार्ट, ओए होए होए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लड़के ने 9 सेकंड में ये टास्क पूरा किया, तालियां होनी चाहिए, अब रह गया 8 सेकंड का मुद्दा, क्या ये 8 सेकंड में करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको लगता है कर पाएंगे तालियां बजाइएगा, और जिनको लगता है नहीं कर पाएंगे तालियां बजाइएगा, सर रेडी हैं आप, तो फिर कुबरा हट जाओ यहां से, एक दो तीन स्टार्ट, हाय 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 हाय, इसका मतलब है एजाज भाई पहला गेम जीत गए, आप आइए आइए, पाकिस्तान का अपना मोबाइल वीगो टेल, फाइनली इजाज़ भाई की टीम गेम में वापस आई है, एक गेम जीत के 5 पॉइंट्स ले लिए हैं,
ये हुई ना बात। तो बताइए सिया गोल्ड क्रीम की बड़ा भाई कौन जीतना चाहता है? तो फिर लड़कियां कहां बैठी हैं? लड़कियां यंग और एनर्जेटिक लड़कियां चाहिए, नया गेम है मुझे भी नहीं पता, बुढ़ती नहीं लड़कियां चाहिए, एक 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 चाहिए ना, एक चाहिए, एक 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 प्यारी हसीन बुढ़ती। इसने तो बुला ली, जैसी ये बुला रहा है वैसी बुला ले, चेक करो ना, इनका बहुत तजर्बा है। क्या लगता है गुरम? अच्छा भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या 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 नाइस, क्या हुआ? चीख मार के वैसे चीख नहीं सुनी होगी। एक मिनट भाई, सारे अपने कान बंद कर लें, एक दो तीन। भाई वाह, कराची के स्नैचर्स इस लड़की के करीब जाके कुछ नहीं छीनना वरना ये तबाह कर देगी तुम लोगों को। ये हुई ना बात, वेरी गुड। अच्छा भाई ये नया सा गेम है, बहुत ही सिंपल है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, हमारे मुल्क से कम होती जा रही है, तो हमने कहा एक बार फिर जरा तमाम बच्चों को यादगार दिलाएं कि भाई ये एक गेम मौजूद है जो कि हमारा नेशनल गेम है, किताबों की हद तक नहीं है, इसको खेलना भी है। अब करना क्या है? बहुत ही सिंपल है, हमारे ये लड़के आपको करके दिखाएंगे कि ये गेम कैसे खेला जाता है। ओके हाँ भाई रेडी हो तुम? खेल पाओगे? बॉल नहीं है इसीलिए तो हॉकी खत्म होती जा रही है मुल्क से, कि हॉकी तो है लेकिन बॉल नहीं है। हाँ भाई बॉल कौन लाएगा? सारे मिलके आवाज लगाएंगे, बॉल लाओ, 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 बॉल। माइक देना, माइक देना, बॉल ला। बाल्टी नहीं बॉल मांगी थी भाई। अच्छा इसमें बहुत सारी बॉल है। ओके ओके। अच्छा भाई बहुत ही सिंपल सा गेम है, हमारे लड़के आपको समझाएंगे कि ये गेम कैसे होगा। हाँ भाई और क्या चाहिए तुम्हें? और भी कुछ चाहिए? एक प्लेटफॉर्म और लगेगा, आओ भाई लेके आओ, फटाफट से लेके आओ, जल्दी लेके आओ, जब तक घबराओ नहीं भाई, घबराओ नहीं। सिया गोल्ड की तरफ से मोड़ भाई जीतने के लिए दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, हमारी लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा देखते हैं क्या कर पाती हैं। आइए भाई अब हम आपको दिखाएंगे कि ये गेम कैसे होगा, जिसने ज्यादा से ज्यादा बॉलें पॉट की उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा आपको यहाँ से सिया बॉल क्रीम की तरफ से एक अदद मोटर बाइक जीतने का। तो फिर कैसे होगा मुझे पता ही नहीं है। हाँ भाई ये लो खेलो, आओ भाई ये देखिए ऐसे ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट में जितनी ज्यादा बॉलें आपने ऐसे ले जाके यहाँ से लेकर गई, और ये एक साथ होगा, एक लड़की इस तरफ होगी एक लड़की इस तरफ होगी, तो जितनी ज्यादा बॉल है एक मिनट में उतना ज्यादा मौका मिलेगा सिया गोल्ड की ये मोटर बाइक जीतने का। अगर आपके कप्तान आपकी मदद करना चाहें, जैसे कि अगर ये खेलना चाहें या ये खेलना चाहें, तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का आपसी मामला है। ठीक है रेडी करें कुबरा, तुम्हारी लड़की कौन सी है? ये तुम्हारी लड़की है और इजाज भाई वो आपकी लड़की है। ये एक मसला है, ये लेफ्ट हैंड है, हम तो लेफ्टी नहीं है भाई, तो मेरा मसला तो नहीं है, एडजस्ट करें, नहीं तो टॉस होगा इस पे, टॉस होगा। पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, टॉस होगा कि कौन इधर आएगा कौन इधर। चलो इस पे टॉस कर लेते हैं, आ जाओ आओ पुगम करते हैं, इजाज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ इजाज भाई, आओ कुबरा आप इधर रहेंगे। क्या औरतों वाली आपने जो हरकत की है ना इसमें। हाँ भाई नई लड़की आई है बेचारी, तो पता नहीं सीरियस लेता हूं, इसीलिए तो फाइनल में जाके हार जाते हो, इसीलिए। चलो भाई ठीक है भाई शुरुआत करेंगे, कुबरा रेडी और आप रेडी, भाई चीख वाली लड़की रेडी, तो फिर एक दो तीन स्टार्ट, चलो चलो। अच्छा खेल भी खुद रहा है, खेल भी खुद रहा है, एजाज भाई खुद खेल रहे हैं, कुबरा एक एक एक, यार ये लड़की से मुकाबला करते हुए कैसा लग रहा है ना आप लोगों को, लेकिन मजा लेके कोई एहसास है, खुश है लगे मुतमईन है आकर आदमी, करने दो करने दो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत, यार हद है। कम्बख्त
तुम हटो तो तुम तो हटो हमारी लड़कियों से पंगा। अच्छा भाई पब्लिक फैसला करेगी कि क्या होना है। उसूलन तो आप गेम जीत गए हैं लेकिन ये पब्लिक डिमांड पे होगा जैसे कि इलेक्शन। ठीक है फिर तो हारे ही हारे। अच्छा भाई कुबरा अगर आपको स्पीच देना चाहती हैं इन लोगों को अपनी तरफ वोट डालने के लिए तो आप दो जुमलों में कुछ कह दें शायद कुछ हो जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम भी राइट हैंडेड थे हाँ, तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादती हुई है। हाँ, ठीक है ठीक है इजाज़ भाई दो जुमले अगर आप कहना चाहते हैं तो। आई लव यू ऑल। मैं अभी आज मेरा पहला आप नहीं है आज नहीं है। अच्छा भाई नहीं है और दो गेम जीत। अब जिनको लगता है कि ये सिया गोल्ड की मोड़ बाइक इनको जानी चाहिए तालियां बजाइएगा। जिनको लगता है आई लव यू ऑल को जानी चाहिए इसका मतलब है मोड़ बाइक आपको जाएगी। आइए 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 बैठ जाइए। चलो चीखो एक बार फिर। अब हर नजर आप पर सिया गोल्ड क्रीम क्या बात है। तो बताइए अगली मोड़ बाइक कौन जीतना चाहता है। माउंटेन ड्यू की मोड़ बाइक बच्चे कहां बैठे हैं। दो बच्चे कुबरा दो बच्चे ही अच्छे तो एक आप और एक आप ढूंढे गेम अल्लाह ही जाने। लड़का लड़की लड़का 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 बैलेंस का गेम है पेशेंस का गेम है जो कि आप दोनों में नहीं है। बच्चा मतलब इतना बच्चा होना चाहिए 10-11 साल का बच्चा 10-11 साल बच्चों मेरी चाय का है भाई। ओहो पहला रोजा जरा लगता सा है तो थोड़ा सा सर में दर्द भी हो ही जाता है। कल से सेट हो जाएगा मामला। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। सही है सही है क्या ये बच्चा सही है। इजाज भाई आपको मैंने हाइट ऐसे यहां तक रख के बताई थी वो मुझसे भी लंबा लड़का है आप तो अपने आप को भी बच्चा ही समझ रहे हैं अभी तक मतलब के नहीं। अरे ये क्या बात है और ऊपर आपसे थोड़ा ही छोटा है। अच्छा भाई कुबरा अच्छा कुबरा अगर इन्होंने इस हाइट का बच्चा बुला लिया है ना तो आप भी इसी हाइट का बच्चा बुलाया मेरा आगे है मेरा इतना ही है आपका इतना ही है बच्चा। भाई अब क्या करें कुबरा के बच्चे छोटे हैं आपके बच्चे बड़े हैं छोटा बुला लूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आपने क्या करना है बच्चों मैं आपको क्या मजाक है क्या मजाक। चल भाग जा तुझे मैं अगले साल बुलाऊंगा थोड़ा बड़ा हो जा। अच्छा भाई करना क्या है आपके सामने ये दो टिश्यू रोल्स हैं आपने इनको फोल्ड करना है। अच्छा मजे की बात ये है खुर्रम कि ये सारे गीले हैं ये तो टूट जाएंगे तो ये हो नहीं पाएगा। टूट गए किस्सा खत्म हो गया। करना कुछ यूँ है कि आपको मैं नए रोल्स मंगा के दे रहा हूँ वो ड्राई रोल्स होंगे हम उसको ऐसे रखेंगे आपने रोल्स को ऐसे ऐसे रोल करना है और ग्लास को अपने करीब लेकर आना है। रोल को उनके करीब नहीं लेके जाना ग्लास को उनके करीब लेकर आना है बगैर टिश्यू तोड़े। जिसका टिश्यू नहीं तोड़ा और ग्लास करीब आता गया वो ही यहाँ से लेकर जाएगा माउंटेन ड्यू की मोटरबाइक। ओके क्या नाम है आपका। मोहम्मद अहमद। और आपका क्या नाम है। मोहम्मद मुनीब। अच्छा जहाँ से टिश्यू टूटे आपने फिर से टिश्यू को सेट करना है और दोबारा से शुरू कर देना है। ओके वक्त होगा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक मिनट का। आपका एक समझ आ गई ना बात तो फिर 1-2-3 स्टार्ट। चलो वेरी गुड वेरी गुड। माउंटेन ड्यू यार है तो पार है। तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। लगाओ 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 लगाओ। पानी नहीं गिराना पानी नहीं गिराना। पानी गिराओगे तो ये होगा पानी नहीं गिरना चाहिए। दोबारा लगाओ पानी नहीं गिरना चाहिए। वेरी गुड यू कैन डू इट। बहुत अच्छे इजाज़ भाई चीटिंग कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ तुम घबराओ नहीं मैं हूं ना कुबरा कुबरा रिलैक्स और बेटा तेरा कप्तान भी चीटिंग कर रहा है तू भी चीटिंग कर रहा है इसका मतलब है तुम जीत गए हो। आ जाओ क्या हुई ना बात।
हाउंटेड यू प्यार है तो पार है हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ ये हुई ना बात कैसा लगा बड़ा बच्चा बुला के भी हारते कैसा महसूस किया आपने भाई नकल के लिए भी अकल की जरूरत है ना नहीं हुई आपके पास अगली मोटर बाइक स्टाइलों की मोटर बाइक है लड़कियां कहां बैठी है भाई 15 और 10 ये गेम आपको 5 नंबर और दिला सकता है प्यारी लड़की ढूंढने की जरूरत है ढूंढिए ढूंढिए स्टाइलो वेट 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 जज वेट जज भाई लड़कियों आवाज निकलेगी तो कुछ मजा आएगा ना नाइस बहुत अच्छे हाँ भाई आ गई लड़की अभी तक लड़की नहीं आई है अभी तक लड़की नहीं आई आखिरी लड़की कब आएगी आखिरी लड़की कब आएगी लड़की आ रही है दोनों एक ही फैमिली की आ गई क्या कह रहे हैं आप मुझे लग रहा है दोनों एक ही फैमिली की आ गई भाई आप दोनों एक ही फैमिली की हैं मुझे भी ये लग रहा है आप अपने हस्बैंड के साथ आई है ठीक है और आप किसके साथ आई है बच्चे हैं आप किसके साथ आई हो हेलो हेलो आप किसके साथ आई हो मैं इनके साथ अपने भाई के साथ अपने भाई के साथ आपके जो भाई हैं वो इनके हस्बैंड तो नहीं है नहीं नहीं मेरे हस्बैंड बड़े पूछ रहे हैं भाई ठीक है वैसे आपके हस्बैंड भी इनके भाई हुए ऐसे ही है देखिए मैथ्स मेरा ठीक चल रहा है अब सूरत हाल कुछ ऐसी है मेरी बहन जरा पलट के इधर मुझे नाम बताइएगा क्या नाम है आपका मेरा नाम नहीं पता आपको नहीं मैं सुन ये बता रही पहले आप बताइए मेरा नाम हिना जाहिद और आपका क्या नाम मेरा नाम साइमा 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 और हिना साइमा किसकी तरफ है साइमा साइमा आपकी तरफ है साइमा आपकी है ऐसे ही नहीं है? मैं नहीं। इनकी तरफ हूँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आ जाओ हाँ और आप इधर आ जाओ है ना आप कुबरा की तरफ है और साइमा आप इजाज भाई की तरफ है बहुत ही सिंपल सा गेम है हम आपको समझाने जा रहे हैं कि ये गेम कैसे होगा गौर से सुनिएगा ये डब्बे हैं इनका अलग अलग वेट है आपने इनको सही तरतीब में रखना है कैसे सबसे पहले सबसे भारी उसके बाद उसका हल्का उससे हल्का उससे हल्का एंड में सबसे हल्का ये कम से कम टाइम में टास्क करेंगे तो ही आपको यहाँ से कुछ जीतने का मौका मिलेगा तो जैसे ही हो जाए वक्त पूरा हमें बता दीजिएगा हम टाइमर रोक देंगे ओके चलो पुगम करते हैं आ जाओ फटाफट से लेट्स डू पुगम कम ऑन जो जीता सबसे पहले इजाज भाई की टीम खेलने जा रही है कुबरा ऑल द बेस्ट आपको भी और इजाज भाई ऑल द बेस्ट आपको भी याद रहे भारी उधर हल्का इधर वक्त तुम्हारे पास एक मिनट का और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अबे जो चाहूं वो पाऊं स्टाइलो स्टाइलो भाई वाह देखते हैं बहुत दूसरा वाला 5 नंबर बना पाती है या नहीं बना पाती कम ऑन कम ऑन कम ऑन हाँ भाई इजाज भाई क्या लगता है हो पाएगा लेट्स सी टाइम ज्यादा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझे थोड़े से शक और शुबात मौजूद है मुझे ऐसा लगता है नहीं होगा चेक कर लो जल्दी से आखिरी 20 सेकंड रह गए हैं जल्दी जल्दी भाई 12 सेकंड पहले मतलब कि 48 सेकंड में 12 48 सेकंड पहले इन्होंने ये 48 सेकंड के अंदर इन्होंने ये टास्क पूरा किया है अब देखते हैं सही किया है या फिर नहीं किया है लेट्स सी सबसे हल्का डब्बा होना चाहिए ये और 4.25 सही लगता है इजाज भाई ठीक है इसको होना चाहिए 4.25 से ज्यादा और क्या लगता है हो गई गड़बड़ सही लग रहा है सही लग रहा है अब इसको होना चाहिए 5 से ज्यादा और इसमें गड़बड़ भी 6 से ज्यादा होगा इजाज भाई हार्ड लक हो गई अब देखते हैं कि आप क्या कर पाती हैं वक्त आपके पास भी होगा एक मिनट का और पूरा एक मिनट आप इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं माइक मुझे दे दीजिए वक्त आपका एक मिनट का और आपका
एक मिनट का वक्त शुरू होता है। आमीन। जो चाहो वो पाउंस डालो। नहीं ना, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, वो कह रहे नहीं होगा इनसे। देख लो कुबरा, कुबरा के पॉइंट्स हैं इस वक्त 15 और इजाज भाई के पॉइंट्स हैं इस वक्त 10। अब देखना ये कि आज का ये मैच कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। क्या हुआ इजाज भाई, क्या लगता है हो गया? बहुत टाइम है अभी, डबल चेक कर ले, डबल चेक कर ले, बहुत टाइम है अभी। सारे मिलके 10 जोर से छोड़ दे, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, हो गया पक्की बात। इजाज भाई क्या लगता है? सही लग रहा है। कुबरा क्या लगता है? आई होप सही हो, सही होगा, सही होगा, कॉन्फिडेंट लग रही है। लेट्स सी, किधर हैं आपके हस्बैंड, कहाँ बैठे हैं आपके हस्बैंड? ओ हेलो, ये वाले हैं सर, क्या हाल है सर आपके? माइक दो भाई हस्बैंड को, माइक दो, हस्बैंड से जरा बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जाहिद रजा। जाहिद भाई क्या लगता है, सही किया भाभी ने? मेरे ख्याल में सही किया है। तो पे ठीक है, ठीक है, अब इसको 3 से ज्यादा होना चाहिए। और कुबरा गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं। किसको चाहिए, किसको चाहिए मोड़ भाई? आवाज निकलेगी तो हम सोचेंगे कि क्या करना है, कि किसकी तरफ जाना है। आहा आहा आहा, बैठ जाओ चाचा, बैठो। आपको बाइक क्यों नहीं चाहिए? आपको बाइक क्यों नहीं चाहिए? चाहिए आपको बाइक? ताली बजाए मेरे, अच्छे से ताली बजाए, ताली बजाए। आए मोड़ बाइक देखे आपको, आइए आइए आइए। इजाज़ भाई बैठे बाइक पे, आ जाए। तशरीफ रखिए, जो चाहूं वो पाउंस डालो। नंबर किसी को नहीं मिला, बाइक चली गई। तो बताइए फर्स्ट स्टेप की मोड़ भाई कौन जीतना चाहता है? तो फिर बच्चे कहां बैठे हैं? बच्चे भाई, बच्चों का गेम है। क्या है गेम? क्या है, क्या गेम है भाई? गेम क्या है? हर्डल, हर्डल ये वाला गेम है। ठीक है, एक बच्चा, जस्ट वन बच्चा, कौन उठानी है? चलो ढूंढो, अच्छा सा बच्चा ढूंढो। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड गुड चॉइस, गुड चॉइस कुबरा, वेरी गुड चॉइस। नहीं नहीं, ड्रामा नहीं करना, बिल्कुल नहीं। चुन नहीं पा रहे इजाज असलम, इजाज असलम कबल्ले हो गए, ये पता है घबरा गए तुमसे हार के। क्या हुआ? ये घबरा गए, मैं कह रहा हूँ ये घबरा गए तुमसे हार के। हाँ ठीक है, ठीक है, आई डोंट माइंड, बिल्कुल ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो सही होगा। आइए आइए, बच्चों भाई कुबरा, कुबरा तुम्हारे 15 पॉइंट्स हैं और इजाज भाई, इजाज भाई, इजाज भाई आपके 10 पॉइंट्स हैं। पिछला गेम आप लोग किधर गई? हाँ पिछला गेम आप लोग जीते नहीं तो पॉइंट्स आप लोगों को नहीं मिले, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखना यह कि इस गेम में क्या होता है। बच्चों क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हसन। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद रोहान। अब गौर से देखना कि ये गेम कैसे होगा। 1 2 3 यार दोनों बगैर गिरे, आपने ये सारा का सारा कौन से यहाँ से उठानी है और बगैर गिरे यहाँ से उतरना होगा। अगर बीच में कहीं गिर गए तो किस्सा खत्म, एक बार वहां से चढ़े सारी कोंच उठा के यहां से नीचे उतरेंगे। ओके मोड़ भाई के हमारे पास फर्स्ट स्टेप की, अब देखते हैं कि कौन सबसे पहले खेलेगा। पुगम कर लेते हैं, आ जाओ पुगम करो, लेट्स डू पुगम, और आप खेलेंगे। इजाज़ भाई रेडी हैं आप?
रेडी हैं? क्या हो रहा है प्रोग्राम में यार? रेडी हैं आप? तो फिर एक दो तीन स्टार्ट। थिंक इन स्टाइल फर्स्ट स्टेप। और किस्सा खत्म, किस्सा खत्म। भाई कुबरा के सामने आपकी टीम टिक ही नहीं पा रही है, अब देखते हैं कि क्या लेडी लक है ना। तो फिर शुरुआत करें, रेडी हो तुम? एक दो तीन स्टार्ट, चलो फटाफट से। अरे तालियां तो बजा दो। जाऊंगा राज, क्लोज शॉट बनाओ इनके चेहरे का। इनके मासूम तासुरात में देखना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, मोड़ भाई का आपको जाएगी। आइए आइए, पीछे बैठो। थिंक इन स्टाइल फर्स्ट स्टेप। चलो भैया लगाओ धप्पा। ओ तो बताइए, खुल गई किस्मत, कौन खेलेगा मेरे साथ? रुकमोन सुप्रीम, खुल गई किस्मत। तो फिर अपने वाउचर अपने हाथों में ले लीजिए, फटाफट से वाउचर अपने हाथों में ले लीजिए, जल्दी जल्दी। 10 पॉइंट्स का ये गेम है कुबरा, ये गेम 10 पॉइंट्स का है। एक वाउचर आप निकालेंगी, एक वाउचर आप निकालेंगे, दो फैमिलीज यहाँ पर आएंगे और उनको मिलेंगी तीन तीन बारियां। जिनके पॉइंट्स में ज्यादा पॉइंट्स निकले वो यहाँ से निकल जाएगा ये 10 पॉइंट। निकाले एक वाउचर, वाउचर लहराते हुए नजर आए, वाउचर सारे के सारे वाउचर लहराते हुए नजर आए ऐसे। हाँ भाई निकाला, हमारे ऑफिशियल टीम पार्टनर्स हैं फ्रूट बॉन्ड सुप्रीम। इजाज़ भाई एक वाउचर चाहिए, जस्ट वन वाउचर। जबरदस्त, वेरी गुड। सबसे पहला नाम है जो के वॉल्स गुजरांवाला की तरफ से आएंगे। इजाज़ भाई क्या है वो नाम? अयाज 000-4041। अयाज साहब आप है पूरी फैमिली के साथ नीचे आएंगे। और उसके बाद अब जो है डाउन इस्लामाबाद की तरफ से कौन आएंगे कुबरा बताइएगा? किंजा 000-4112। किंजा कौन है? किंजा, किंजा कहाँ है? पूरी फैमिली के साथ आएगी किंजा, फटाफट से जल्दी जल्दी आ जाइए, कम ऑन क्विकली क्विकली। कुबरा मैं आपको बता दूं कि ये 20 बॉक्सेस हैं, इनमें से जो इन लोगों के गिफ्ट निकलेंगे वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन उस बॉक्स के अंदर पॉइंट्स होंगे। तो पॉइंट्स 10, 20, 30, 50, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स अगर आपको मिलेंगे तो आप इनसे जीत पाएंगी। तो वो लोग अपने लिए खेल रहे हैं और आप अपने लिए खेल रहे हैं, समझ गए सर? समझ गए। कुबरा आप इस तरफ आ जाइए, इजाज भाई आप इस तरफ आ जाइए और फैमिलीज फटाफट से नीचे आ जाइए। और आप जो घर पे बैठे हुए हैं वो हमें मैसेजेस कर सकते हैं ताकि आप भी हमारे शो में शरीक हो सके। तो 8038 पे आप मैसेज करेंगे, हम आपसे खुद रابطہ करेंगे और आपको यहाँ बुलाएंगे। याद रहे हम बुलाते हुए किसी तोहफे का वादा नहीं करते, ना ही आपसे कोई पैसे मांगते हैं। तो अगर कोई आपसे ना ही इजी लोड कराते हैं, तो इसीलिए अगर आप लोगों को कोई ऐसी बात कर रहा है तो वो यकीनन कोई गलत बात ही कर रहा है। आपको जो भी कॉल आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको इनविटेशन के लिए ही आएगी। तो शुरुआत कर लेते हैं, आइए फटाफट से थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? आपका क्या नाम है? माइक दो इनको। आपका क्या नाम है? मुनीबा। और आपका क्या नाम है? किंजा कमाल। और आपका? सफिया कमाल। माइक ऊपर करें सफिया। सफिया। और वो जो पीछे है वो तो हमारी अपनी है। अच्छा भाई तो किंजा की निकली है बेसिकली ना? किंजा, किंजा क्या करती हो तुम? माइक ऊपर करो। ग्रेजुएशन किया है मैंने, बीए ऑनर्स। अरे वाह वेरी गुड। शादी नहीं हुई तुम्हारी अभी तक? नहीं, होने वाली है। होने वाली है, मतलब बिल्कुल ही ग्रेजुएशन के फौरन बाद शादी, ये अच्छा फैसला। अच्छा और आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। घर पे रहती हैं? हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड का भी 6 महीने पहले इंतकाल हुआ। अरे इन अल्लाह विन अल्लाह राजा हूँ। चले आज आप लोगों को मौका मिला है यहाँ पर थोड़ी सी खुशियाँ दोबारा बटोरने के लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि सोच समझ के आप लोग अपने डब्बों का इंतखाब करें। कुबरा आपकी मदद करेंगे, कुबरा करीब आ जाइए। और ये अब आपकी फैमिली है, सो प्लीज एंजॉय। इजाज़ भाई सर क्या नाम है सर आपका?
और आपके साथ जो हमारी बहन है, क्या नाम है? मैं मिसेस अयाज। आप इनकी बेगम हैं? जी जी। क्या नाम क्या है आपका? फायजा। फायजा, फायजा बच्चे यही संभालता है हर वक्त, ऐसा ही होता रहता है। और मैं चाहता हूँ इस बच्ची का जरा क्लोज शॉट बनाएं, क्योंकि मैंने अभी तक इतनी प्यारी बच्ची तो नहीं देखी है। ओह माय गॉड, तालियां होनी चाहिए बच्ची के लिए। ओह शर्मा भी नहीं है। अच्छा भाई, बारियां आपके पास होंगी तीन, आपने सोच समझ के अपने डब्बों का इंतखाब करना है। इजाज़ भाई आप इनकी मदद करेंगे, हम करेंगे टॉस, जो टॉस जीतेगा उसको सबसे पहले बारी मिल जाएगी। ओके, तो फिर बताइए ए या बी? केंजा ए, लेट्स सी क्या होने जा रहा है। और अरे भाई, अरे अरे अरे, इसका मतलब है पहली बारी किंजा और उसकी फैमिली की होगी। कुबरा आर यू रेडी? आई एम रेडी। याद रहे इन बॉक्सेस के अंदर पॉइंट्स हैं कुबरा, तो अगर इनकी गाड़ी निकलती है और आपका जीरो निकलता है तो आपको जीरो ही मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी। और अगर आपकी एक स्त्री निकलती है और उसमें से पॉइंट 100 निकलते हैं तो इनको स्त्री मिलेगी और आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनकी गाड़ी निकले और आपको 100 पॉइंट्स भी मिले, तो खुशियां भी हो सकती हैं और दुख भी हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, शुरुआत करते हैं। बताइए सबसे पहला डब्बा कौन सा खोलेंगे? मशवरा करें कुबरा, आपस में मशवरा करके बताएं कि कौन सा डब्बा खोलना चाहिए। ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम खुल गई किस्मत, आ जा। 13? कभी इतना हसीन आदमी देखा नहीं ना तूने, इसीलिए परेशान कर रही। ये कौन सी मखलूक है भाई, ये तो हमने देखी ही नहीं। ओ हमारे पापा तो ऐसे मासूम से लगते हैं, ये कौन आदमी है ना। ओ अरे अल्लाह माशाल्लाह, कानून के हाथों की तरह बड़े हाथ हैं आपके, वेरी गुड। हाँ भाई क्या फैसला हुआ? 13 है। एक साथ मत बोलो, 13, तुम्हारा 13, तो समझ भी नहीं आ रहा कि तुम बोल क्या रही हो। 13 1 3। ओके आइए देखते हैं नंबर 13, लेट्स सी क्या होने जा रहा है। और इसके अंदर तो फिर एक, तो फिर दो, तो फिर ये लो बाइक, फेस ब्रश की बोर्ड बाइक आप लोगों के लिए। ये हुई ना बात, निकालो निकालो, बैठो, जो फेस ब्रश वो ही ब्यूटीफुल। भाई नहीं है, ओके चलो भैया लगाओ धक्का, ये हुई ना बात। अच्छा भाई कुबरा जी जी, अब देखते हैं कि पॉइंट्स कितने निकले हैं। इजाज़ भाई क्या लगता है आपको कितने पॉइंट्स होंगे? क्या पीछे लिखा होता है पॉइंट्स? अभी दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। 100 होंगे। 100 होंगे। कुबरा तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं पता। जीरो पॉइंट्स, नो पॉइंट्स। आप देख सकती हैं, आप देख सकती हैं, हम बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहे, मैंने छुपाए नहीं है। तो भाई इसका मतलब है आप खुश हो गए और लड़की उदास हो गई, ठीक है? बोलने लगी है भाई, क्या बोल रही हो? क्या कहना चाह रही है ये? फाइव कह रही है भाई, लड़की कह रही है फाइव, जहां तक गिनती आती है उसको, उसने तो बोल दिया। अब पांच खोलना है जासमी, पक्की बात है, आखिरी फैसला। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। तो फिर एक, तो फिर दो, और नेल्सन की वॉशिंग मशीन आप लोगों के लिए। अच्छा मिनी ओवन भी है और डिनर सेट भी है, हूँ आराम है, बच्ची की बात मान ली है। आराम अभी कहाँ पे, अब देखते हैं कि पॉइंट्स क्या है जासमी आपके लिए। और एक, दो, और आज रखे भी हैं या नहीं? बिल्कुल निकलेंगे, आपके सामने निकलेंगे, कोई पॉइंट्स नहीं कुबरा, अभी तक बराबर चल रहा है मामला। अब देखते हैं बारी नंबर दो में किंजा की फैमिली क्या कर पाती। किंजा आर यू रेडी? किंजा रेडी हो? हाँ भाई बताओ क्या करें, सोचो। three. भाई क्यों है तुम्हारे पास नंबर थ्री? कुबरा क्या होगा नंबर थ्री में? पता नहीं, मतलब आओ भाई देख लेते हैं नंबर थ्री, लेट्स सी नंबर थ्री में क्या होगा। एक, दो, और विंसे कॉस्मेटिक की तरफ से वॉशिंग मशीन और एलईडी। 80,000 रुपए का सामान है। अब देखते हैं कुबरा तुम्हारे लिए क्या है इसके अंदर। कुबरा क्या लगता है तुम्हें? नजर तो कुछ नहीं आ रहा मुझे। जितने जिसने भी कॉइन डाले ना वो चाहता है तुम दोनों जीतो ही नहीं। आओ देखते हैं क्या होने जा रहा है। और उरी उरी, इट्स ओके, सुनो एक मिनट, टीम वालों भूल तो नहीं गए हो, कम वक्त है तो सही ना? है ना, है ना, है ना,
हाँ ठीक है ठीक है घबराने की बात नहीं है। एजाज भाई आप बताइए अगला डब्बा कौन सा, उनके लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं, बताइए क्या करें। 11 नंबर 11 नंबर 11 आइए देखते हैं क्या है नंबर 11 में। एजाज भाई क्या होगा नंबर 11 के अंदर बोलो। 11 11 सही है, खोल है पक्की बात है। नहीं नहीं सोच लो, नहीं सोच लो बता दो, बता दे सोच लो। दो बारी के बाद बोलता हूँ मैं, आपका अगर दिल चाह रहा है बदल सकते हैं। चलो खोल दो तो पे ब्रोकबॉट सुप्रीम की तरफ से 1,000 रुपए के होम अप्लायंसेस। क्या कर रहे हो तुम लोग, 1,00,000 के भाई 1,00,000 के, टेंशन की बात नहीं है। आइए देखते हैं कि अब क्या है। तो फिर एक अब नहीं निकला तो गड़बड़ है। तो फिर दो, एक मिनट, अब ये टीम का इम्तिहान है, अगर इसमें से भी नहीं निकला तो फिर अल्लाह मालिक है। आइए देखते हैं, एक दो और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या निकला है भाई, क्या ये चिपकाने के लिए। अच्छा आप दोनों का तो कुछ नहीं निकला, आप दोनों का तो कुछ नहीं निकला, आप लोगों में से कौन निकालना चाहता है, कौन आएगा, किसको बुलाएंगे। कुबरा अपनी मर्जी से किसी एक को बुलाओ, एजाज भाई अपनी मर्जी से किसी एक को बुलाया। हाँ तो हमारी प्यारी टीम, क्या आप लोगों ने पॉइंट्स आज रखे हैं या आपने पॉइंट्स नहीं रखे, आप हमें बता दें। हो सकता है आपको पहला रोजा लग रहा हो और आपसे गलती हो गई, लेकिन पता चल जाएगा। एक इजाज भाई ने निकाल लिया है और एक कुबरा ने निकाला है, हम देखते हैं क्या होने जा रहे हैं। अच्छा कुबरा, कुबरा जी? कुबरा क्योंकि ये आपकी तरफ से खेल रही हैं, हाँ जी? तो जो भी इनके डब्बे में निकलेगा वो तो इनका होगा, लेकिन जो पॉइंट निकलेगा वो आपका होगा। इजाज भाई ऐसा ही आपके लिए भी अप्लाई होता है। तो क्या नाम है मेरी बहन? खुशबू। खुशबू और आपका क्या नाम है? आयशा। तो मेरे ख्याल से आयशा को पहला मौका देते है ना, खुशबू तो कहीं नहीं जा रही है। ठीक है आयशा रेडी हो तुम? आयशा कौन सी क्लास में हो तुम? 3 में। तो फिर कौन सा डब्बा खोले आयशा तुम्हारे लिए? 12 नंबर 12। इजाज भाई क्या होगा नंबर 12 के अंदर? नंबर 12 में बाइक होगी, आइए देखते हैं, लेट्स सी नंबर 12 के अंदर आयशा के लिए क्या है। तो फिर एक दो और मरहबा गुल बहार की मोटर बाइक है आपके लिए, आ जाओ आ जाओ, बैठे इजाज भाई बैठे, इजाज भाई जहां प्यार वहां गुल बहार, बैठिए बैठो आयशा। चलो भैया लगाओ धक्का, ये हो ही ना बात। इजाज भाई क्या लगता है कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, एक साथ ही होगा, 200 तो पे पॉइंट से गला है। कुबरा he's on, क्या क्या हुआ? 110 भी हो सकते हैं, 100 हो गए ना, अभी 100 हो गए। अब अगर तुमने 100 निकाले तो फिर किस्सा तमाम हो जाएगा। ओके आइए देखते हैं, खुशबू क्या तुम इसकी जिंदगी में खुशबू लाओगी या फिर कोई माहौल खराब सा हो जाएगा। आओ बताओ क्या करें, कौन सा डब्बा, सोच समझ के। नंबर 14 क्या होगा नंबर 14 में? 500 एंड आई होप इनके लिए बाइक। पक्की बात है, खोल ले खुशबू, जाओ खुद खोलो। नंबर 14 खोलने जा रही है कुबरा, लेट्स सी क्या है आज इनकी किस्मत में। और खोलो, एनएक्स की तरफ से 85,000 रुपए के होम अप्लायंसेस। कुछ है 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 क्या है क्या है। एजाज भाई 100 नंबर ले चुके हैं, अब देखते हैं खुशबू, खुशबू तुम्हारा काम हो गया, निकल लो। अब देखते हैं कि क्या है इनकी किस्मत में। एक दो, गोल्डन गोल्डन है ये, देखो ये 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 ये। अगर 0 ही था तो रखा क्यों अंदर? तो फिर कौन आएगा? जाओ कुबरा, कुबरा एक निकालो, इजाज़ भाई एक निकालो,
फिर बच्चा ओके ये वाले दो ना हाँ जी हाँ जी अच्छा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को तो कोई निकाल ही नहीं रहा है ना ऐसा ही है ना क्यों भाई उस तरफ क्यों नहीं जाते आप लोग क्या परेशानी यार नजर नहीं आ रहे लोग खड़े नहीं हो रहे बच्चे अच्छा ए, नहीं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका आयजा आयजा आपका क्या नाम है आंटी आंटी माइक ऊपर करें रजिया रजिया आंटी मैं तो इतने सालों से आपके लिए नफल पढ़ पढ़ के दुआएं मांग मांग के मैंने आज दुआएं देखें आपकी पूरी हो गई हैं बहुत शुक्रिया आप कुछ निकाल के भी जाना ठीक है ना आपके ऊपर जो पहले बच्ची बुलाई थी वही भी आयशा थी ये आयजा है ये आयजा है और ये रजिया है और रजिया गुंडों में फंस गई है अब आपके पास है मेरा आप देखते हैं हाँ भाई तो पहले रजिया आंटी को मौका देते हैं रजिया आंटी जी जी अब आपके पास मौका है जी जी बताइए कौन सा डब्बा खोले आपके लिए मार दे चौका ये तो खत्म हो गया ना सौ है ना पॉइंट्स क्यों खत्म हो गया तीन है पॉइंट्स मिल सकते हैं चल रहा है यस कुबरा अगर रजिया आंटी ने सही डब्बा खोला और तुम्हें पॉइंट्स मिल गए तो अच्छा हो जाएगा ठीक है आ जाओ बताएं रजिया आंटी 20 माइक करीब करके बताएं 20 क्या करें भाई खोले खोल दे आंटी तो फिर आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है एक दो और बेडरूम रेफ्रिजरेटर निकल आया आपका आंटी फर्स्ट टाइम की तरफ से आओ कुबरा कुबरा देखते हैं कि क्या है हेर हो गई और नो पॉइंट्स एट ऑल हाँ भाई आयजा नंबर टू आइए देखते हैं क्या है नंबर टू के अंदर और एक दो और 32 इंच का एलईडी आपके लिए इजाज़ भाई कुछ तो निकला है अब देखते हैं कि क्या निकला है और लेट्स सी एक दो और भाई ये क्या हो गया इस दफा भाई कमिंग बैक टू द टीम्स नाउ अब पहली बारी किसकी थी आप लोगों की कुबरा अगर तुमने इसमें 100 निकाल लिया या 200 निकाल लिया तो फिर ये यहाँ पे भी यस है ये फंस सकते हैं सोच समझ के बताओ अगला डब्बा कौन सा खोलना है और बराबर भी हो सकता है बताओ बताओ सोचो माइक पे बोलेंगे नंबर सात आइए देखते हैं क्या है नंबर सात के अंदर एक दो और ब्रुकबॉर्न सुप्रीम की मोटर बाइक आपके लिए आइए आइए बैठिए यही तो है बैठो 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 चलो आ जाओ बैठो चलो बैठ जाओ ये हुई ना बात अरे तालियां बजा दो चलने वालों यही तो है वो अपनापन ब्रुकबॉर्न सुप्रीम क्या कुबरा को नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अब जो अल्लाह को मंजूर मैंने छोड़ दिया अल्लाह पे जो अल्लाह का मंजूर कुबरा चेक करें जब तुम जीत रही थी वो भी तो अल्लाह को ही मंजूर था कुछ है अब देखते हैं क्या है इजाज़ में क्या लगता है आपको क्या होगा 200 है तो फिर किस्मत तो है पचास पॉइंट निकल आए कुबरा के इसका मतलब है ये वाले 10 पॉइंट इजाज भाई आप जीत गए हैं लेकिन आखिरी बारी अभी आपकी बाकी है तो बताइए आखिरी डब्बा कौन सा खोलना है सोचे सर 18 नंबर 18 आइए देखते हैं क्या नंबर 18 में सोच लो क्या करूं सोच लो आओ देख लेते हैं ना जाने मन और सुप्रीम की मोटर बाइक निकल आई तुम्हारी आ जाओ आओ यही तो है वो अपनापन चलो बैठ जाओ लड़की भाई 10 पॉइंट ले गए इजाज़ असलम आप लोग कहीं जाइएगा मत अभी वापस आ रहे हैं तो फिर जीतो पाकिस्तान We'll be right back.
पाकिस्तानी हबल की मोड़ भाई कौन जीतना ज्यादा है? तो फिर लड़के कहां बैठे हैं? लड़के लड़के अंकल जो आपको समझ आता है, जो आपका मन पसंद हो। बहुत ही मजेदार सा गेम है ये। गेम है आज ही हुआ है, पहली बार ही आया हमारे पास। हाँ भाई लड़कों, देखिए इजाज भाई बुलाएं लड़के, बुलाएं लड़के, बुलाएं। हमारी स्क्रीन पर चल रहा है कि आप किस तरह जी तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। समझ आई? जिसने कम से कम टाइम में, आपको नहीं करना है। हाँ भाई लड़के हो गए, फैसला डिसाइड हो गया, अच्छा हो गया। अरे अरे लग जाएगा कुबरा को। ये लड़का बहुत जज्बाती है, ये देखो। ओके दो लड़के यहाँ पर आ चुके हैं। याद रहे इस वक्त मैं स्कोर्स आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि सूरत हाल क्या है। दोनों इस वक्त 20-20 पॉइंट्स पर हैं। कुबरा आपके भी 20 पॉइंट्स हैं और इजाज भाई आपके भी 20 पॉइंट्स हैं। ये जो मैच है ये 5 पॉइंट्स का गेम है। याद रहे जिसने सबसे पहले इन चारों पॉकेट्स में बॉलें पॉट कर दी वही यहाँ से लेकर जाएगा हिमानी हर्बल की मोटरबाइक। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? जिजलान। और आपका क्या नाम है सर? जैन। चलो आओ बुगम करेंगे, देखते हैं पहले कौन खेलेगा। लेट्स सी आप खेलेंगे। बहुत ही सिंपल सा गेम है, समझ तो गए हैं आपके करना क्या है, समझ गए हैं ना आप। वक्त आपके पास होगा सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का और आपका आप बॉल डालेंगे, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। चले बड़ा से चल जल्दी। नो चुन के निकाला है कुबरा ने, देखते हैं क्या होता है। क्या देख के कुबरा लगेगा? कुबरा दूर हो जाओ। एवरी फ्रेग्रेंस टेल्स अ स्टोरी। लेट्स सी। नो हिमानी फ्रेग्रेंस। बहुत जबरदस्त कुबरा, बहुत ही अच्छा निकाला है तुमने चुन के। ऑल द बेस्ट। थोड़ा हिला भी लो सारे मिलके, काउंट डाउन पे नजर रखेंगे। और से हार्ड लक कुबरा। अब देखते हैं कि इजाज भाई की टीम क्या कर पाती है। याद रहे 5 पॉइंट्स का ये गेम है और अगर इन दोनों में से किसी से नहीं हुआ तो ये मोटरबाइक हम आपको ऐसे ही बांट देंगे। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छे हो सकता है। नो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनसे भी नहीं हो पाएगा और ये मोटरबाइक मैं ऐसे ही किसी को बांट दूंगा, ऐसा मेरा दिमाग कह रहा है। Very good. No. कर सकते हैं आप। एक सारे मिलके काउंट डाउन देंगे। 10 5 4 3 2 1 भाई गेम ऐसा कहता है कि चारों की चारों बॉलें पॉट होनी चाहिए थी। अब बॉल क्योंकि पॉट हुई है सिर्फ एक तो हम ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और ये मोटरबाइक आप में से किसी को ऐसे ही जाएगी तो किसको जाएगी? बहुत अच्छा खेला है। आ जाओ जल्दी आ जाओ फटाफट से आ जाओ। भाई हिमानी फ्रेग्रेंस की मोटरबाइक चली गई है और पॉइंट्स अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। आपके अभी तक 20 पॉइंट हैं, आपके भी अभी तक 20 पॉइंट हैं। क्या कहना चाहते हैं यार? एक बॉल गई, चार डाली थी ना,
ये तो नहीं बोला था तुमने शुरू में, बोला आपने सुना नहीं था, नहीं बोला नहीं, आपने सुनना नहीं चाहा। आइए बैठिए मोटर बाइक पे, बैठे 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 चलो भैया लगाओ धक्का। तो बताइए बात बनती है, कौन खेलना चाहता है मेरे साथ? तो फिर अपने वाउचर अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि आज 10 तोला सोना यहां से कौन लेकर जाएगा यही देखना है। कैप्टेंस कैप्टेंस 20 पॉइंट्स का ये गेम है, जो ये गेम जीतेगा समझे वो गेम जीत जाएगा कंप्लीटली। हम यहां से वाउचर्स निकालेंगे, तीन वाउचर्स आपके होंगे, तीन वाउचर्स आपके होंगे, तो देखते हैं क्या होने जा रहा है। वाउचर्स अपने हाथों में लहराते हुए, सारे के सारे लहराते हुए वाउचर्स, तीन वाउचर निकालो, सारे के सारे लहराते हुए। कहाँ है वाउचर? वाउचर निकाले आंटी, वाउचर निकाले, वाउचर निकाले। माउंटेन ड्यू यार है तो पार है। हाँ जी निकाले निकाले निकाले, वेरी गुड वेरी गुड, निकल गए। ये क्या बात की तुमने इजाज भाई, फटाफट करना ये काम, इतना टाइम नहीं है। लाओ भाई ओके ओके। भाई सबसे पहले जो हम तीन निकालने जा रहे हैं वो इस्लामाबाद की टीम के लोग हैं, और सबसे पहला नाम है 0004061 तूबा। तूबा कौन है? 0004061 तूबा, फटाफट से आ जाओ तूबा, सिर्फ तूबा आएंगी। और उसके बाद अगला नाम है 0004185 सालार। सालार कौन है? आप हैं, आइए 0004185 नंबर चेक कर लेना, 0004185 ओके। उसके बाद अगला नाम है 0000001 कदीर अहमद साहब। कदीर अहमद कौन है? कदीर अहमद, आइए कदीर अहमद फटाफट से, ये तीनों इस्लामाबाद के हैं ओके, इजाज भी लाइएगा। और ये हैं हमारी गुजरांवाला के लोग, सबसे पहला नाम है सैयदा अनमता मोहम्मद 0000032। अनमता मोहम्मद कौन है? आप हैं, आइए फटाफट से आ जाइए, ये इजाज भाई की है। 0004268 रमीशा। रमीशा कौन है? कहाँ है? आ जाओ रमीशा, चीखें होती जा रही हैं, आओ रमीशा फटाफट से आ जाओ। उसके बाद 0004138 अली असद। अली असद कौन है? आई अली असद, फटाफट से आ जाइए। छह के छह लोग हमने बुला लिए हैं, अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। 20 पॉइंट्स, जो भी जीता काफी हद तक किस्सा तमाम हो जाएगा। हम कोई एक वाउचर निकालेंगे और वही वाउचर हमारे साथ खेलेगा, वो तुम्हारी टीम का भी हो सकता है, वो आपकी टीम का भी हो सकता है। अगर ये खेलने आती हैं तो आपको कोशिश करनी है कि ये किसी तरह 10 लाख रुपए का या 10 लाख की वैल्यू का सामान ना जीत पाएं। और अगर यस, और अगर आप आते हैं तो आपने ये कोशिश करनी है कि ये ना जीत पाएं ओके। सो ऑल द बेस्ट है, आइए आइए बड़ा बच्चे आ जाइए, शुरुआत कर लेते हैं। एक से तीन के दरमियान जो लोग हैं वो हैं हमारे इस्लामाबाद के लोग, और चार से छः के दरमियान के जो लोग हैं वो हैं हमारे गुजरांवाला के लोग। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले एक पर्ची निकालने के लिए, और यही वो पर्ची होगी जो हमारे साथ खेलेगी ओके ओके। या फिर एंड में जो दो बचे वो कर लें, ऐसा करें, ऐसा कर लेते हैं। तो अगर एक निकल जाता है तो वो हमारे साथ नहीं खेलेगा, अगर दो निकल जाता है तो वो भी हमारे साथ नहीं खेलेगा। हम ऐसे करने जा रहे हैं, सबसे पहले छोटे आ जाओ, जरा इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये जो पर्ची निकलने जा रही है ये हमारे साथ नहीं खेलेगी। क्या नाम है सर आपका? अली। अली एक पर्ची निकालोगे और ये हमारे साथ नहीं खेलेगी ओके। निकालो एक पर्ची, निकालो निकालो फटाफट से, खोल के दिखाओ सबको, इधर खोल के दिखाओ, इधर खोल के दिखाओ। और ये है नंबर दो पे, इसका मतलब है एक आपकी टीम का मेंबर निकल गया है, आपके चांसेस ज्यादा हैं। थैंक यू अली जायद, आगे बढ़ो। अब चलते हैं इस तरफ, अगली पर्ची आपने निकालनी है, नंबर दो इज ऑलरेडी आउट, एक पर्ची निकालो, चलो शर्तें बाद में दिखाना, फटाफट से जल्दी जल्दी। और नंबर एक पे एक और आपकी टीम का बाहर हो गया है। इजाज भाई आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं अभी भी, अब देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। डाउलेंस का एक प्लेयर बाकी है
और वॉल्स के तीन पेयर बाकी हैं, निकालो पर्ची। ये पर्ची भी हमारे साथ नहीं खेलेगी। और ये पर्ची है नंबर 5 पे, इजाज़ भाई एक प्लेयर आपका भी बाहर चला गया है। अब एक और निकाल लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। 3, 4 और 6, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। लेट्स सी, कुबरा की सिर्फ एक पर्ची बाकी है और वो है नंबर 3। और इजाज़ भाई आपका एक और प्लेयर बाहर चला गया है। बराबर हो गया है मुकाबला। अब पब्लिक डिसाइड करेगी इन दो पर्चियों में से कि हमारे साथ कौन खेलेगा। वो हो सकती है नंबर 3 भी और वो हो सकती है नंबर चार भी। लेट्स सी। तो पब्लिक अपना दिमाग खोलने के लिए एक बार भरपूर तालियां बजाएंगे। जरा खुल के तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। अब जो तालियां बजेगी वो फैसला करेगी कि हमारे साथ कौन खेलेगा। जिनको लगता है सीधे हाथ वाली पर्ची के लिए तो उसके लिए बजाइएगा, और जिनको लगता है उल्टे हाथ वाली के लिए तो उसके लिए बजा दीजिएगा। जिसको लगता है इस पर्ची को खेलना चाहिए तालियां बजाइएगा, ओके। और जिनको लगता है इस पर्ची को खेलना चाहिए तालियां बजाइएगा। क्या लगा? सेम बराबर लगा। बराबर तो लगा। किसी एक से पूछ लेते हैं फिर। तुम मेरी प्यारी बहन, माइक दो फटाफट से, बात नहीं कर पाती, ठीक है। ये या ये, ये वाली, ओके डन। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। भाई हमारी बहन ने कह दिया ये पर्ची हमारे साथ खेलेगी। ये नंबर 3 हुई तो कुबरा आप खेलेंगी, और ये नंबर 4 हुई तो इजाज़ भाई आप खेलेंगे। ओके लेट्स सी क्या होने जा रहा है। और तो फिर एक ये पर्ची हमारे साथ खेलेगी, और ये पर्ची है, और ये पर्ची है, और ये पर्ची है नंबर 4। इजाज़ भाई आप खेलेंगे हमारे साथ, आइए। तशरीफ लाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? माइक पे बताओ। अनमता। अनमता किसके साथ आई हो तुम? माइक। फैमिली के साथ। फैमिली कहाँ है भाई अनमता की? फैमिली, ये पूरी फैमिली तुम्हारी है? कौन कौन है जरा फैमिली में मैं बताओगी? मम्मा आई हैं, मामू हैं, मामी हैं। मम्मा, मामी, मामू, मतलब अब्बा की तरफ से कोई पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं, वो नानी की तरफ से कार्ड आया था तो फिर। अच्छा, नानी की तरफ से ही आया था तो इसलिए नानी वालों को ही ज्यादा फोकस किया हमने। आइए फटाफट से आ जाइए। ये मम्मा है और ये मामी है जी। और वो मामू कहाँ है बेचारा? कहाँ है मामू? आजा मामू, आजा आजा आजा। ये इसको बेचारे को ड्राइवर बना के ले आए हो तुम लोग सिर्फ। हाँ मामू नहीं बना देना। मामू नहीं बनाना। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, माइक उठाएगा। क्या नाम है मेरी बहन आपका? माइक 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 पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अजरा। और आपका? फरीदा। फरीदा, और ये किसका पीस है? ये मेरा पीस। ये आपका पीस है? क्या नाम है जाने? क्या कह रहे हैं? सैयद इकबाल अहमद। सैयद इकबाल साहब खुश आमदेद कहते हैं आपको। अच्छा भाई, मामू, मामी और मामा शो देखते हैं आप लोग, पता क्या होता है? जी हम हर साल देखते हैं, हर साल देखते हैं। आज आपको मौका मिला है कि आज आप लोग यहाँ से 10 तोला सोना जीत कर जा सकते हैं। कुबरा, क्या आपको पता है कि आज की तारीख में तोला कितने का है? 2,24,000 रुपए का इजाज़ भाई आज की तारीख में सोना है। इसका मतलब है कि ये 10 तोला सोना हो गया तकरीबन 22,40,000 रुपए का, जो कि बहुत सारे पैसे होते हैं। याद रहे कुबरा, आज आपने इनको जीतने नहीं देना है। अगर ये यहाँ से 10 लाख रुपए से, भाई 10 लाख ठीक है, 10 लाख, 10 लाख रुपए तक का सामान जीत जाते हैं तो इनको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि ये किसी तरीके से यहाँ से 10 लाख से कम का सामान जीते। इजाज भाई, अगर आपको ये 20 पॉइंट चाहिए तो आपको 10 लाख से ज्यादा का सामान जीतना होगा। मुश्किल कर दिया इस दफा। ऑल द बेस्ट है आपको। ये भी याद रखे कि सोना इटसेल्फ 22,40,000 रुपए का है, सो विच मीन्स इतना मुश्किल नहीं है आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आपके सामने 5 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, आपने वो बॉक्सेस खुलवाने हैं जिनके अंदर कम सोना है। आइए देखते हैं कि आज ऑप्शंस क्या हैं सोने के। आज हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 ग्राम, 1 तोला, 3 तोला, 5 तोला, 7 तोला और 10 तोला। इसका मतलब है अगर आप लोग ये 3 तोला, 1 तोला और 1 ग्राम निकलवा देते हैं, कुबरा बैठ जाओ, बैठ जाओ,
अगर आप ये 3 तोला 1 तोला और 1 ग्राम निकलवा देते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। और कुबरा, अगर आप ये 10, 7 और 5 निकलवा देती हैं तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट अनमता। खेल शुरू होने से पहले आप सबको खुश करने के लिए आपको हाशमी स्पगोल की तरफ से एक अदद 50 इंच का LED देंगे। लेकर आप फटाफट से जल्दी जल्दी लाइए 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 हाशमी। मैंने क्या बोला? करेक्शन, ये हाशमी सुरमे की तरफ से, क्योंकि इस पगोल मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था इसलिए मैंने इस पगोल बोल दिया, बट नेवर माइंड, वो भी आप लोगों का ही है। अच्छा भाई, तो बिस्मिल्लाह करें जहाज भाई। बिस्मिल्लाह। पहला सवाल कुबरा आपसे करूंगा, व्हाट डू यू थिंक, इनके डब्बे के अंदर, फोन रख दो, इनके डब्बे के अंदर क्या है? 7 तोला 10 तोला 5 तोला 3 तोला 1 तोला या फिर 1 ग्राम? 3 तोला। 3 तोला पक्की बात है? इजाज भाई 7 तोला। 7 तोला। मामू, मामू जी वाली क्या है? मामू क्या मासूम आदमी मिल गया तुम्हें बहन है? इतना कंट्रोल में करके रखा हुआ है उसको। हाय अल्लाह, बताओ ना इसमें बोला क्या है, बताओ। वो कह रहा है किसमें पूछ रहे हैं ये, मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ मामू, जानू क्या है इसके अंदर? यार वैसे कितने खूबसूरत डब्बे हैं यार ये। हाँ 10 तोला। 10 तोला है? किसने बताया? इसने? नहीं, मैं खुद बता रहे हो, अच्छी बात है। ये ऐसे ही है, कबूले खुद बोला था या किसी और से बुलवाया था इन्होंने? हाँ, शर्मा गई अभी तक, शर्मा रही। कितने साल हो गए शादी को आपको हैं? इसमें भी शर्मा गए। अरे भाई, कितने साल हो गए शादी को? 15 साल। वो देखो, 15 साल, अच्छी बात है। अच्छा भाई, 10 तोला इनको लगता है। अनंता तुम्हें क्या लगता है? माइक पे बोलो अनंता। 7 तोला। और मामा आपको क्या लगता है? मामा 7 तोला। 7 तोला। 7 7 10 10, मियां बीवी एक साथ। इजाज भाई आपको लगता है 7 तोला और कुबरा को लगता है 3 तोला। तो सोच समझ के पहला डब्बा खुलवाएंगे, वो डब्बा खुलवाएंगे जिसमें आपको लगता है कि कम सोना है। वो बॉटल किधर गई, पानी की और चाय किधर गई? हाँ जी बताइए, पहला डब्बा कौन सा खोलें? सोचे सोचे सोचे। क्यों चुप रहे हो? अच्छे खासे हो, देखोगे टीवी पे तो क्या परेशानी होगी, टेंशन नहीं है बेटा। हाँ भाई अनमता, क्या हुआ, क्या करना है? आप चाहें तो अपना डब्बा किसी भी वक्त एक्सचेंज भी करा सकती हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। कुबरा हिलना बंद करो, मैं फिक्स होने की कोशिश कर रही हूँ। क्या करना है? हाँ भाई बताएं। हाँ कौन सा डब्बा खोले? 4-4 लोग आए ननियाल से, एक भी बता नहीं पा रहे। एक ददियाल से ले आती कुछ फायदा हो जाता। ये जो ददियाल से आया इससे पूछो ना, चाचा ताया ताया अब्बा बताओ। पापा मुझे लगता है 2 खोलना चाहिए, नंबर 2 खोलना चाहिए। अच्छा कुबरा, अगर तुम क्या कर रही हो ये मुस्तकिल? मुझे लगता है पहला डब्बा तो रिस्की है। उठो, मैं इसको ऊपर करके देता हूं। ऊपर करके दूं? नीचे करनी है यार। पानी दे दो पानी। अच्छा कुछ कोने वाला मेरा थोड़ी देर में, 1 मिनट। चलो बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हाँ भाई क्या करें? हाँ आंखें बंद करके सोचो, आंखें बंद करके। क्या हुआ मम्मा? जो मर्जी है, मम्मा ने इतना सोचने के बाद बोला मामू जो मर्जी है वो कर लो। मामू आप बताएं, मामू अनमता तुम्हारा नाम, आंखें बंद कर, सब अनमता पे डाल दिया उन्होंने। अनमता ये पकड़ो बेटा, अनमता तुम्हारी लक चल रही है आज। कुबरा अगर तुम खुलवाती तो कौन सा डब्बा खुलवाती? अगर मेरी टीम होती तो ही। अगर नहीं सिचुएशन में, अब ये तो ब्लफ है तुम्हारा, जो करना चाहो। नंबर 4 तो उनका अपना डब्बा है। सुन गुटखा खा के आई हो, चेक करें, ये भी आपकी तरह है, जैसे आप हंसते हो ये भी ऐसी ऐसे ऐसे हंसती है। हाँ बताओ भाई अनमता। नंबर वन। इजाज भाई क्या होगा नंबर 1 के अंदर? बड़ा होगा कुछ, मतलब हाथी निकल आएगा। 10 भी हो सकता। नंबर 1 सर, क्या नाम है सर आपका? कदीर अहमद। क्या है कदीर भाई आपके डब्बे के अंदर? फहद भाई 7 तोला लगा। अगर 7 तोला निकला कदीर भाई, हम आपको विंसे की तरफ से LED, ये चिपके हुए क्या? अरे वाह क्या बात है,
भाई तरक्की हो गई, 11वें साल में तरक्की हुई है। आ भाई खोलने जा रहा हूँ। कुबरा व्हाट डू यू थिंक, क्या है सपे के अंदर? पांच तोला। हाँ इजाज भाई क्या है इसके अंदर? एक तोला। और ये फैसला है अनमता तुम्हारा, तो तुम्हें क्या लगता है अनमता क्या होगा इसके अंदर? माइक में बोलो। एक ग्राम। खोलने जा रहा हूँ एक, खोलने जा रहा हूँ दो, तो फिर सारे मिलके बोलो ये लो। अरे तालियां बजा दो चलने वालों। आवाज। वेरी वेरी डन। ये मामू का फैसला था। मामू का, मामू का फैसला था। क्या बात है मामू, जबरदस्त। अब बताइए, अब अगला बताओ मामू। चलो इतने फैसले कर रहे हो ना तुम, अगर इसने 10 खुलवा दिया ना फौरन बाहर भेज देना इसको। सर बताइए। 10 तो हमारे पास है। अच्छा ओ गुड, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। 10 नहीं है ये, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है मामू, पता चल रहा है कि कितना तेज है। बहन मुझे हमदर्दी है तुम्हारे साथ। हाँ बताओ क्या करे। नंबर चार। चार। देखो सारा तुमने पानी फेर दिया अचानक से। बताओ क्या करे। पांच खुलवाओ। पांच। पांच खुलवाने को कह रहे हैं। आपके कहने पे क्या करें? नंबर चार। नहीं चार तो ये भाई। कौन सा बोल रहे हो? नंबर पांच। नंबर पांच मामू खोल दूं? मामू मामू खोल रहे। सर क्या नाम है सर आपका? अली है सर। क्या है इसके अंदर अली भाई? माइक उठाओ। सात तोला। कुबरा क्या है इसके अंदर? तीन खुलवा लो। तीन तीन तीन। कुबरा कह रही है मामू तीन, ये कह रहा है सात। इतना कॉलर सात तोला हुआ तुम्हें मरबा गुल बाहर की एलईडी दूंगा। एक तोला। क्या कह रहे हो मामू? हाँ एक तोला है। एक तोला है ना इसके, खोल देना टेंशन नहीं है। सात तोला निकला, हम तुम्हें देंगे एलईडी मरबा गुल बाहर की। कुबरा तुम कह रही हो 10 है, इजाज भाई आप कह रहे हैं इसके अंदर 7 है, सही है। खोलने जा रहा हूँ एक, खोलने जा रहा हूँ दो, तो फिर सारे मिलके बोलो जोर से बोलो और ये लो। ये तुम्हारे दिल में इतनी आग क्यों है किसी और के लिए? 7 तोला निकला और तुम तालियां बजा उसके लिए खुश हो रही हो, और वो जो बेचारे तबाह हो गए उनका क्या करना है? बोलो हमारा वो नहीं है, हमारा जो है हम उसके लिए खुश हो रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो भाई हम बिनसे की तरफ से एलईडी देंगे इनको, लेके आओ फटाफट से बराबर गुल बाहर की एलईडी देंगे। रख दी? अच्छा आ गई, वेरी गुड। You are so confident. Like साथ है, है ना? साथ है। ये ऐसे, ये पार्ट टाइम पीर का काम करता है, ये तावीज आवीज भी देता है। And then खोल के he's like, told you. है ना? हाँ भाई जानू क्या हो रहा है? कुछ नहीं समझा रहा। किसने खुलवाया ये डब्बा? मामू। अरे मामू मैं तो बोला था 7 तोला है। क्या बात है, तीन नंबर। अचानक से भाभी का भी दिल किया, मैं भी कर लूँ अगर। आप कर लीजिएगा टेंशन नहीं, आप ही के जब आपका दिल करे बताओ फैसला करे। आपके भाई ने मरवा दिया। अगर मियाँ के भाई को ले आती हैं आप, इसमें तो 3 तोला कुछ फायदा हो जाता। इसमें 3 तोला क्या बेटा? ददियाल में क्या बुराई है? कुछ भी नहीं, तो उनमें से एक भी नहीं आया। हाँ बताओ क्या करें। 6 खोलो। 6 नंबर 6। ये ताया की सुननी नहीं सुननी, क्या करें? 6 खोले भाई। वो कह रही है कुबरा 6 खोले। कुबरा तुम लोगों की तरफ है कि नहीं अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो तुम पीर बाबा से पूछ रही हो जैसे कि उसको सब पता है। अच्छा चल बता। He's so confident. माई गुड़ा बताओ कौन सा खुलवाना चाहिए? माई जीता है भाई। 2। नंबर 2। नंबर 2 में क्या होगा? 3 तोला। भाई ये कह रहा है नंबर 2 में 3 तोला होगा। मैं 5 खुलवाना चाहता हूं। 3 में ना 13 में बंदा कह रहा है नंबर 2 में होगा 3 तोला, खुलवा लो। क्या करना है? नंबर 3 में होगा, नंबर 4 में 3 तोला है। हां हां नंबर 3 में है 1 तोला। आप फैसला करें। मैं तो कहूंगा 3 या 6। मेरी 6। बाबा जी कह रहे हैं 3। इजाज़ बाबा आपको सब पता होता है। एक सेकंड, आपको सब पता है इस शो में क्या क्या होता है? आपको सब पता होता है? नहीं सब नहीं पता है। अच्छा सब नहीं पता होता, ठीक। कुछ कुछ हमें नहीं पता होता। हाँ बताओ क्या करें। 6। नंबर 6 भाई फैसला करो। अनमता क्या करना है बच्चे? क्या करना है बच्चे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 खोल दे। माइक पे बोलो 6 खुलवा दे। नंबर 6 खोलने जा रहे हैं और इनकी वजह से हो रहा है, ऐसा ही है ना? और उस बेचारे की नहीं सुन रहे हो तुम लोग, ठीक है? माइक उठाओ बहन। क्या नाम है आपका? माइक छीन लो इससे, छीन लो। क्या नाम है आपका? रमीशा। क्या है रमीशा इसके अंदर? इसमें 5 तोला। 5 तोला। ये कह रही है इसके अंदर 5 तोला।
पांच तोले का मतलब है आज की तारीख में तकरीबन 11-12 लाख रुपए। क्या आप लोग खोलना चाहते हैं? पक्की बात है कुबरा, व्हाट डू यू थिंक? मैं तो कभी खोले खोले इजाज़ भाई क्या करें? खोले तो फिर मामू खोल दूं टेंशन तो फिर एक इसमें 10 तो माइक पे बोलो। आई थिंक इसमें 10 तोला है। अभी तो 5 कौन कह रहा था वो? मुझे ज्यादा लग रहा है कुछ। तो 10 तोला है? 5 या एक बताओ, एक बताओ। 10 सही बताओगी 22 दूंगा। 10 10 तोला ये कह रही है इसके अंदर 10 तोला है। अगर 10 तोला निकला मैं इनको सूफी डिटर्जेंट की मोटरबाइक दूंगा। खोलूं खोलूं पक्की बात है? तो फिर सारे मिलके बोलो, जोर से बोलो। अरे तालियां बजा दो। अब रह गया 3 तोला, 5 तोला और 10 तोला। अच्छी पोजीशन में हम लोग। पहला रोजा है, पहला रमजान आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। अब अगला डब्बा सोच समझ के खुलवाना पड़ेगा हमको। गलती की गुंजाइश निश्चित बड़ा। अरे वाह क्या बात है, मेमन और सिंधी एक जैसा सोच रहे हैं, क्या बात भाई वाह। बताओ भाई क्या करें? आपके पास कम से कम 6,72,000 रुपए का सोना है। अगर ये यहां से 5 तोला और 10 तोला लेकर जाते हैं कुबरा, यू लूज। अगर ये 3 तोला लेकर जाते हैं तो आप जीतती हैं। तो जरा दिमाग की बत्ती को जलाओ, कुछ आइडियाज लड़ाओ। अगला डब्बा कौन सा खोलना है बताओ 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 बताओ। क्या हाल है मियां, ठीक हो तुम? बताइए मुझे भी बताओ क्या करें। नंबर तीन खोलने जा रहे हैं। नंबर तीन कुबरा, नंबर तीन में क्या होगा? आई होप दस तोला होगा नंबर तीन वाली। मेरी बहन च्युइंगम चबाती हुई लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? तुबा क्या है इसके अंदर? 5 तोला। अगर इसके अंदर 5 तोला हुआ तुबा, मैं तुम्हें सुप्रीम की तरफ से एक 5 LED दूंगा। 5 खोल दू ना, पक्की बात है। नहीं है आज क्योंकि पहला रोजा है तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैं एक ऑफर देता हूं आप लोगों को। आप अभी के अभी ये तीनों डब्बे छोड़ें और यहां से वो जो सामने पड़ा हुआ डील बॉक्स, वो पूरा का पूरा डील बॉक्स ले 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 ले। 5 से गिनूंगा, 5, 4 किस्मत ये लेगी हमारी, 3, 2, 1 मामू कह रहे हैं किस्मत खेलेगी हमारी, 2 ऐसे ऐसे करके कह रहे हैं किस्मत खेलेगी और ओके हम 3 खोलने जा रहे हैं। ठीक है अगर इसके अंदर तूबा 5 तोला हुआ तो मैं तुम्हें के बजाय मैं तुम्हें बाइक दूंगा और बाइक होगी सूफी की। खोलने जा रहा हूं 1 कुबरा आर यू रेडी? खोलने जा रहा हूं 2 खोल दू ना, खोल दू ना, तो फिर सारे मिलके बोलो और ये लो। थैंक यू, जल कुकड़ी मेरी बहन, क्यों जल रही है तू किसी की बर्बादी में? तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम जल रही हो। अगर तुम हंस रही होती तो शायद तुम आ जाती। अनमता अनमता किसका फैसला था ये? कांग्रेचुलेशंस, गुड वेलकम। हाँ भाई अभी पांच है वो भी निकलवाएंगे। 5 और 3 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 5 तोला कहाँ है? यहाँ कि वहाँ? 2 नंबर में ना। और अब कुबरा, अब मैं इनको डील बॉक्स की ऑफर नहीं दूंगा। अब इनको डील बॉक्स तभी मिलेगा जब ये यहाँ से 5 तोला लेकर जाएंगे। सही है ना? सही फैसला है ना? ओके तो अगला डब्बा सोच समझ के खुलवाना पड़ेगा। बताइए कौन सा डब्बा खोले? अच्छा सुनो, अपना डब्बा ही रखोगे या डब्बा एक्सचेंज करोगे? इजाज भाई नहीं अपना ही रखें, 5 लग रहा है मुझे। तो बस फिर आपका डब्बा खोल लेते हैं। नहीं नहीं एक सेकंड ये क्या बात हुई? उठा लूँ ना
यही डब्बा चाहिए ना, एक्सचेंज तो नहीं करना ना, यही चाहिए ना। तो फिर अब जो इस डब्बे में है इसमें तीन है, वो ही इनका है, इसमें तीन है, तोला भी हो सकता है, उसमें पांच है, और वो पांच तोला भी हो सकता है, तो फिर एक तीन है इसमें, तो एक्सचेंज करा लो, तो फिर दो कर लो। कुबरा क्या है इस डब्बे के अंदर? पांच। इसका मतलब है तुम हार जाओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ आप एक्सचेंज कर ले, इसलिए तुम चाह रही हो कि एक्सचेंज करें। हाँ भाई फैसला खोल दूँ? पांच पांच नहीं होगा इसमें। मामू नानी से पूछना। किससे? नानी से। अबे भाई मुझे नानी समझ लो, तुम छोड़ो। अच्छा आप कह रहे हैं कि नानी से पूछ ले? यार हद हो गई यार भाई, फैसला करो। पांच से गिनेंगे डब्बा खोल देंगे। नहीं चेंज कर लो, चेंज कर लो। चार तीन दो, अपने अपना ही डब्बा। ओके डन, आइए देखते हैं तो क्या है अब इस डब्बे के अंदर। नहीं 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 एक्सचेंज करना है, चेंज चेंज करना है। कुबरा सही कर रहे हैं ना ये लोग, भाई की बात रख लिया भाई। आप तो यही चाहती थी ना, मुझे लगता है चेंज करना। मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी, ये हंसी जा रही है यार। बहुत अजीब सिचुएशन में, आई वांट देम टू विन बट हिम टू लूज एंड मी टू विन। हां तो यही इक्वेशन बनती है। हम कैप्टन, वेल देम मींस हिम, हिम मींस देम, पर मैं इनकी कैप्टन बन जाऊं। ये तो धकोसा और ड्रामा हुआ ना, बेसिकली ये चाहती है कि आप सब हारे जी। वो तो घर जा रही है इसके बाद। मैं तो घर जा रही हूं। पैसा करें। मैं तो कहता हूं चेंज, अब इनका ये कह रहे हैं चेंज, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका 500 रुपया निकल आता तो 500 रुपया लोगे या डील बॉक्स लोगे? क्या करोगे? डील बॉक्स खेलेंगे। खेलने हैं क्या? खेलेंगे उसके बाद क्रिकेट शुरू हो जाएगी, वो खेलेंगे। सवाल पूछ रहा हूं ना, डील बॉक्स लेंगे ना, डील पक्की बात है, ऐसे ही है ना। तो हमारी बात बन गई, अगर इसके अंदर पांच तोला है तो आप डील बॉक्स लेने जा रहे हैं, ऐसा ही है ना? बोले माइक पे। हाँ ठीक है, बोले ठीक है, आप ही बोले। बोले ठीक है, ठीक है, बोले ठीक है, बोले ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डील बॉक्स के अंदर आज कितने कार्ड हैं। हमारी बात बन गई है, अगर इनका 500 निकलता है तो ये डील बॉक्स हमसे आज की तारीख में ले लेंगे। सो गिनने जा रहे हैं कि आज डील बॉक्स के अंदर कितने कार्ड हैं। तो बच्चों सारे मिलके गिनेंगे। दस दस कार्ड आज भी डील बॉक्स के अंदर है। अब देखते हैं कि इन कार्ड्स के अंदर आज क्या है। ओके याद रहे कुबरा, ये कार्ड्स इनको उस सूरत में मिलेंगे जब इनके डब्बे में क्या होगा? पांच तोला। पांच तोला। ओके आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। खोले जा रहा हूं पहला कार्ड, ये आपको तब मिलेंगे जब पांच तोला आपके पास होगा। एक दो और ये लो। ओए होए, आते के साथ ही ग्रो की तरफ से एक अदद मोटरबाइक। अब बुनियाद बनाने का नहीं, ग्रो करने का टाइम है, हमारी ये लाइन है। हाँ भाई क्या करें, खोले ना भाई, बाइक लगाओ ग्रो की। अब देखते हैं नवे कार्ड के अंदर क्या है। खोले जा रहा हूं एक, खोले जा रहा हूं दो, और ये लो भाई। ये क्या है? फोटाइल की तरफ से सैंडविच मेकर, फेस स्टीमर, इलेक्ट्रिक केटल, ब्लेंडर और आयरन। नॉट बैड, तकरीबन 80,000 रुपए का सामान। ये बच्चे तुम्हारे हैं? तीनों सारे बच्चे तुम्हारे हैं? किसके बच्चे? माइक में बोलो। भाई की। भाई के बच्चे तीनों, माशाल्लाह। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। बैठ जाओ, जज्बाती क्यों हो गई हो? मैंने कब बुलाने चाहिए था? हाँ मैं बुलाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं इन बच्चों के लिए तुम्हें बोला। आंटी साहब कैसी हैं आप? खरी से ठीक ठाक? तबीयत ठीक है आंटी? इतना सख्त पानी दे दो आंटी। आंटी 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 आई लव यू आंटी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से बाइक जीतना चाहती हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि आज ये यहाँ से कितना सोना लेकर जाएंगे। पाँच तोला कमीज नीचे करो, या फिर तीन तोला, बताओ क्या करें? तीन तोला। क्या नाम है तुम्हारा? रूबा। अब रूबा रेडी रहना, अगर तीन तोला निकला जो पढ़ना है पढ़ लो, बद्दुआएं जितनी दे सकती हो दे दो, ठीक है?
बाइक के लिए। अच्छा मैं तुम्हें दो बाइक दूंगा अगर तीन तोला निकला तो, ठीक है? इसके ऊपर मुसलसल कैमरा रखना, ठीक है? इससे बात करते रहेंगे, एक सूफी की तरफ से और दूसरी ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम की तरफ से, ठीक है? आइए देखते हैं अगले कार्ड के अंदर क्या है। खोल जा रहा हूं अगला कार्ड, एक दो और खेलो। हुए हुए हुए, एक और मोटर बाइक स्लिम फास्ट ड्रॉप की तरफ से। हाँ भाई, बाइक बाइक कितने की आजकल? आजकल बाइक इजाज़ भाई मेरे हिसाब से 1,15,000 से 25,000 के दरमियान की आती है, तो दैट इज लॉट ऑफ मनी। अब 1,20,000 कर लेते हैं, लेट्स सपोज बाइक कितने की होगी। मैं अभी के अभी ऑफर देता हूँ तुम लोगों को, छोड़ो ये दोनों डब्बे, दफा करो, ये दो बाइकें लो, घर जाओ। 1,20,000 रुपए की बाइक, दो बाइक 2,40,000 में है कुबरा, 3,00,000 का सामान है कुल मिला के, सोचो उनके बारे में। भाई 3,00,000 अरबपति लोग हैं भाई, ये लोग अरबपति लोग हैं। 3,00,000 की बात करो तो मतलब अरब हैं और पति बना के चाय भाई पी लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। खोलने जा रहे हैं अगला कार्ड, कार्ड नंबर 7वां। तो फिर एक दो और ये लो, क्या है? एलईडी 32 इंच का तिब्बत स्नो की तरफ से, नॉट बैड। तो स्लिम फास्ट ड्रॉप्स, ग्रो की मोटर बाइक, फोटाइल का सामान और तिब्बत स्नो की एलईडी, ये सब कुछ आपको तब मिलेगा जब आपके डब्बे में क्या होगा? पांच तोला है ना। और दो मोटर बाइक तुम्हें तब मिलेगी जब इनके पास क्या निकलेगा? बाइक। तुम्हें क्या मैंने ऐसे ही दिया, ले गए तुमसे, आवाज छीन ली। ओ माय गॉड, चलो आप देखते हैं कार्ड नंबर, खोलने जा रहे हैं कार्ड नंबर 6। तो फिर एक दो और ये लो। ओ माय गॉड, यार है तो पार है, माउंटेन ड्यू की मोटर बाइक कुबरा। ऑन अ सीरियस नोट, डोंट यू थिंक कि ये बहुत अच्छी डील है? नो रिस्क इन्वॉल्व, तीन मोटर बाइक से लेके घर चले जाना चाहिए। आई एग्री, द रीजन फॉर दैट कि मैं सोच रही थी और मुझे एहसास हुआ कि दिस प्रोबब्ली 3 तोला इन दिस। लड़कियां आती हैं पहले शो से होशियार हो जाती हैं, ये बहुत तेज है, ये टेढ़ होशियार। उष्णा भी आई थी, उसने भी ऐसी। लेकिन एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, इस रमजान में मेरे पास 10-10 गाड़ियां होने वाली है। अब ये पहले लोग आ गए हैं और वो इसी डील बॉक्स में निकल सकती हैं, निकलेगी तो। मगर इसके अलावा देखे, मेरे पास जो इस रमजान मोटर बाइक्स होने वाली हैं वो होने वाली हैं कम अज कम आई थिंक 1,300 मोटर बाइक्स मेरे पास होने वाली हैं, जिसमें से ये 3 तो अभी निकल गई हैं। तो ये सेफेस्ट ऑप्शन है अभी के अभी लो, या फिर गैम्बल करना चाहते हैं आप इस बात पे कि आपके पास होगा 5 तोला और उसके बाद फिर आप निकालेंगे ये डील बॉक्स। 5 तक गिनूंगा, आखिरी बार पूछूंगा, ये 3 मोटर बाइक्स लो, ये तिब्बत स्नो का एलईडी लो, घर जाओ। 5, 4, 3, 2, 1। मैं क्या कह रहा था, मुझे पता है, आंखें बता रही हैं आपकी। मुखालिफ पार्टी से गई। माँ ने दुआ देके भेज दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती अब वो। अब यहाँ दिमाग लड़ाओ, बताओ क्या करें, बताओ। खेले माइक पे बोलो। अम्मी ने कहा गाड़ी लेकर आना, तो अम्मी को बोलो मुझे कुछ करने दोगी तो ही तो मैं करूंगी ना। अम्मी नहीं जी। अच्छा एक मेरी बात सुन ले, ARY लगुना DHA सिटी के 2 अपार्टमेंट्स भी हैं मेरे पास, तो सिर्फ गाड़ी ही नहीं, आप 2 अपार्टमेंट में से 1 अपार्टमेंट भी लेकर जा सकती हैं आज, बशर्त ये कि आप अपना फोकस यहाँ पे रखें। और मेरे पास गुजरावाला के लगुना के भी 2 अपार्टमेंट्स हैं, तो कुल मिला के टोटल 4 अपार्टमेंट्स होंगे, बशर्त ये कि आप दिमाग लड़ाएं। अब बताएं क्या करें, खोलूं अगला कार्ड, आइए देखते हैं। तो फिर एक दो और ये लो, ये क्या है भाई? कैन की तरफ से एयर कूलर स्पिन ड्रायर, नॉट बैड। पीछे रह गए 4 कार्ड, अभी भी कह रहा हूं कुबरा समझाओ इन्हें कि ले जाए ये सारा सामान। आई एम सर्टेन कि इसके अंदर 3 है अब, तो बात करो उनसे, बोलो
हेल्प करो। ये इजाज़ असलम, ये इजाज़ असलम अपने पॉइंट्स की लालच में उनका नुकसान करवा रहे हैं। मैं तो खामोश खड़ा हूं, कुछ नहीं बोल रहा। आपके चेहरे पर आया है सूरत हाल। वो तो आता है यार, मैं तो आइए सेंसिटिव आदमी हूं। आप क्या चाहते हैं कि तो फिर अगला कार्ड खोलने जा रहे हैं, तो फिर मैं चाहता हूं ये दो एंड तक ले लो। गाड़ी टेक्नो की तरफ से स्मार्टफोन, वो भी कम से कम 20-25 हजार रुपए का, नॉट बैड। कितने का? 35 हजार रुपए का फोन है कुबरा, और उस पर नानी फोन भी कर सकती है। नानी हर 2 मिनट के बाद फोन करती है। अब मैं तुम्हें गिन के बताता हूँ कि ये सामान हुआ कितने का। भाई 3 मोटरबाइक हो गई, हमने 1-20 का हिसाब लगाया था, तो ये हो गई 3,60,000 की मोटरबाइक्स हो गई। और ये चीज़ें कितने की होंगी, ये चीज़ें कितने की होंगी दोस्तों? 80,000 रुपये की। 80,000 ये हो गए, तो ये लोग हो गए कुल मिला के 4,40,000 रुपये। 4,40,000 ये हो गए, और ये मोबाइल 35,000 रुपये का, तो 4,75,000 ये हो गए सीधे सीधे। और उसके बाद ये तो कुल मिला के 5,00,000 का सामान तो है ही है। फैसला करो। वैसे बुरी डील नहीं है, अगर हम ये 10 पॉइंट का लालच छोड़ सामान बेचने जाएंगे 2,00,000 रुपए मिलेंगे जी। ऐसा कुछ क्यों? कौन सा सामान बेच रहे हैं? 3 डब्बे का सामान बेच रहे हैं क्या? एक दफा, अरे जी बात कर रहे हो यार, अच्छे ख्वाब सुनहरी दिखा। 6,50,000 अभी सुनहरी सामने खड़े हुए ख्वाब पगले। 6,50,000 रुपए का सामान है ये, हकीकत ख्वाब। मैं खरीदूंगा तुम लोगों से 5.5 लाख रुपए में। चलो डील हो गई, डन। और बताओ ये चाहिए नहीं चाहिए? आइए देखते हैं अगले कार्ड के अंदर क्या है। कुबरा बहुत ही तेज लोग हैं ये लोग, तो खोलने जा रहे हैं। 1, 2 अरे भाई आ गए हमारे कंपाउंडर्स इस बार, आपके लिए टीका लेकर आए हैं, लगाएंगे आपको टीका ट्रेजर बॉक्स का। अब देखते हैं कि क्या लेकर आए होंगे हमारे प्यारे अहमद। और क्या चॉकलेट्स का नहीं मंगा लेते भाई, तालियां होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। इस दफा लेकर आए हैं ब्रीफकेस। अब ब्रीफकेस के अंदर क्या होगा ये हमको नहीं पता है। याद रहे जो इस ब्रीफकेस के अंदर होगा वो अभी के अभी लेना होगा। हो सकता है उसके अंदर कोई गाड़ी हो सकता है लगुना का फ्लैट हो सकता है कुछ ना भी हो। भाई अभी के अभी फैसला करना होगा, चाहिए तो बोलो हाँ, नहीं चाहिए तो बोलो ना, सारे मिलके बोलो हाँ की ना, तो बोलो हाँ की ना, तो बोलो हाँ की ना। क्या लगता है चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए पूछ के देख ले। कितने काट रहे अहमद, मेरे प्यारे अहमद। और अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या लेकर आए हो आज आप लोग? फात भाई मैं आपके लिए बड़ा सूटकेस लाया हूँ। और सूटकेस के अंदर क्या होगा सर? 3-3 कार्ड। ओ माय गॉड, और क्या क्या होगा उन 3-3 कार्ड्स के अंदर? गाड़ी और सोना और लगुना का फ्लैट। तो फिर ले 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 सारे मिलके ले 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 ले। अगर चाहिए तो बोलो हाँ, अगर नहीं चाहिए तो बोलो ना, तो बोलो हाँ की ना, तो बोलो हाँ की ना। नहीं चाहिए इजाज़ भाई, नहीं चाहिए ले ले। यार मैं तो बोल रहा हूँ ले 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 ले। हाँ भाई मामू क्या करना है? नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए बोल दो, नहीं चाहिए। 5 तक गिनेंगे, फैसला करो। 5, 4, 3, 2, 1 बाय बाय बच्चों, निकल लो यहाँ से बड़ा बच्चे। चलो चलो अहमद रुक रुक रुक। अब फैसला तो आप लोगों ने कर ही लिया है कि आप लोगों को हमारा ब्रीफकेस नहीं चाहिए, तो आइए देखते हैं कि आज ब्रीफकेस के अंदर क्या होगा। कुबरा कुबरा क्या होगा ब्रीफकेस के अंदर आज? लगुना का लैंड होगा, अपार्टमेंट। और ये लगुना का फ्लैट है कितने का? ये लगुना का फ्लैट है क्या फायदा? They've lost it anyways. They're not interested, ना? But at least पता तो होना चाहिए कि ये लगुना का फ्लैट है कितने का। 82,50,000 रुपए का फ्लैट है गुजरांवाला का, और कराची का है
75 लाख रुपए का। एक बार ये बैग खुल गया तो ये आपका नहीं होगा। खोलने जा रहा हूं, लेट्स सी। नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए ना, माइक पे बोलो। एक खोल के दिखाएं। एक खोल के नहीं दिखाऊंगा, अभी कभी फैसला करना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा और ये लेना है तो लेना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। नहीं, इन्होंने नहीं लिया। अब मैं दिखाऊंगा कि आज ट्रेजर बॉक्स के अंदर क्या था। अब जो इस ट्रेजर बॉक्स के अंदर है वो इनका नहीं है। आखिरी कार्ड तक लेट्स सी। नहीं चाहिए ना, आखिरी कार्ड तक। नहीं चाहिए ना, आखिरी कार्ड तक। नहीं चाहिए ना, आखिरी कार्ड तक। तो फिर एक दो और। ओए 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 ओए, ब्रीफकेस का मेन्यू चेंज है। बिरयानी खानी है, तुम्हारा दिल चाह रहा है ना बिरयानी का। भाई कुबरा को जीतों का नमक खिलाओ, लेके आओ फटाफट से, जल्दी से लेके आओ। अब इन दो कार्ड्स के अंदर क्या होगा, जिनको लगता है आज इसके अंदर लगुना का फ्लैट होगा, तालियां बजाइएगा। फ्लैट होगा आज। और जिनको लगता है गाड़ी होगी, तालियां बजाइएगा। फैसला आपका। नहीं चाहिए ना मामू, मामू नहीं चाहिए ना। खोलने जा रहा हूं तो फिर एक दो और बोलो बोलो। पकोड़े। अच्छा कॉम्बिनेशन है, गरम होंगे। गरम आप कर दीजिएगा, ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है। भाई पकोड़े आ रहे हैं, कह रहे गैस ही नहीं आ रही हमारे यहाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं आखिरी कार्ड के अंदर, एक मिनट मुझे, क्या होगा इस आखिरी कार्ड के अंदर। गाड़ी। क्या होगा? गाड़ी। क्या होगा? गाड़ी। तो फिर ले 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 है। ऐसा हो नहीं सकता कि आज कुछ अच्छा ना हो। यू नेवर नो, पकौड़े भी अच्छी चीज होते हैं, बिरयानी भी अच्छी चीज होती है। और देखें आपके पीछे जामेशीरी की गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी हो सकती है। आपके पीछे सुप्रीम की गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी हो सकती है। और सामने देखिए एआरवाई सहूलत वॉलेट की गाड़ी खड़ी हुई है, वाइटल की गाड़ी खड़ी हुई है। इनमें से कोई भी गाड़ी आज आपकी हो सकती है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, छोड़ो सारे के सारे डब्बे, ये आखिरी कार्ड ले लो। बोलो हाँ कि ना। तो बोलो हाँ कि ना। क्या मालूम चारों गाड़ियां हूं कार्ड में। क्या चारों गाड़ियां कार्ड में? चारों गाड़ी, हम पागल थोड़ी हैं। 30 शो है, 30 शो। पैसा करो आप 10 की भी। क्या करें, 10 की भी नहीं चाहिए ना। तो फिर एक दो और आइए देखते हैं। लेट्स सी। कुबरा बिरयानी कैसी है? 4 दिन से पड़ी हुई थी, कोई नहीं खा रहा था। अब कल पता लगे। मुझे भूख लगी थी। I know। तो पे भाई मामू का बहुत अच्छा फैसला, ताली होनी चाहिए मामू के लिए। बाय बाय अहमद, बाय बाय, थैंक यू। आते हैं उस बात पे, और बात ये है कि आपको डील बॉक्स तब मिलेगा जब आपके पास 5 तोला निकल के आएगा। 5 तोला आपके पास है ना? है ना? और पीछे डील बॉक्स के नहीं है? नहीं। कुबरा नहीं है। कुबरा ने बिरयानी खाते हुए बीच में से वक्त निकाल के हमें थोड़ा सा वक्त दिया। हाँ इजाज़त, 5 तोला है ना? 5 तोला उसमें। तो फिर एक्सचेंज करा लो। है तो बोला है। फैसला आपका। हाँ भाई क्या करना है? हमारे पास डील बॉक्स के कार्ड रह गए हैं पीछे कुल मिला के 3। आइए देखते हैं कि इन डील बॉक्स के 3 कार्ड्स के अंदर क्या है। आंटी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है दिखा दूँ ना। अनमता आखिरी 3 कार्ड्स दिखाने जा रहा हूँ, ये आपको तब मिलेंगे जब आपके पास 5 तोला निकलेगा। खोलने जा रहा हूँ, 1 2 और ये लो इफ्तार बॉक्स मीजान की तरफ से लेके आओ, फटाफट से लेके आओ, जल्दी 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 मीजान का इफ्तार बॉक्स लेकर आइए। और जरा चेक कराइए क्या सूरत हाल है, क्या सूरत हाल है। वेरी नाइस,
वेरी गुड. ओ नाइस गुड. ये जरा इसको खिलाओ, परेशान है. क्या पता लड़की को बाइके ना मिले, कम से कम इफ्तार बॉक्स तो मिले. बेटा खाओ, एंजॉय करो. हाँ भाई कुबरा, आखिरी के दो कार्ड जी. क्या होगा इनके अंदर? बाइक निकलेगी शायद एक, और कुछ मीठा भी निकला है. अरे तो खा ली अब. अरे तो बहुत बहुत तेज है भाई. हाँ भाई इजाज असलम, क्या हुआ? परेशान हूँ. हैं परेशान आप? बनता है आपको परेशान होना. हाँ भाई मामू, पकोड़े ठूस लिए तुमने? भूख लगी. सारा दिमाग जो पकोड़ों में लग गया है, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है. मैं कह रहा हूँ आइए देखते हैं पकोड़ों में दो कार्ड क्या है इन दो कार्ड्स के अंदर. एक दो और हुए मीठा. Sort of मीठा. Kind of मीठा. अच्छी बात है भाईजान. ये डील बॉक्स आप लोगों को तब मिलेगा जब आपके पास 5 तोला होगा. अब सवाल ये है कि पीछे तो रहेगा एक कार्ड. अब अगर 5 तोला आपके पास है और अभी तक इस पूरे डील बॉक्स की मालियत बनती है 6.25 लाख रुपए तरबूज के 500-1000 डाल के, और अगर यहाँ 5 तोला तो 5 तोला बनता है तकरीबन 11,20,000 रुपये का. अब अगर इसमें अंगूर वंगूर निकल आए और बाद में वहाँ से 5 तोला निकल आया तो आप लोग तो महंगी चीज़ लेके सस्ती चीज़ ले लेंगे. फैसला आप लोगों ने करना है, मर्जी आपकी है. क्या करना है? मैं आपको एक ऑफर देता हूँ आखिरी. अपना डील बॉक्स छोड़ो और अपने डब्बे के साथ चले जाओ. क्या करना है अनंता? अगर तुमने कुछ भी नहीं बोलना था तो तुम आई ही क्यों? नानी को भेज देती जो बार बार फ़ोन कर रही हैं. ये देखो मैम, नहीं नहीं मानना, नहीं आई. क्या करना है? खजूर चाहिए भाई कोबरा को. खजूर नहीं आई थी. क्या नहीं है? खजूर नहीं आई. खजूर? अरे भाई इसको खजूर खिलाओ यार. वो डब्बे से निकली थी ना लड़की को खजूर. इसका तो बजट यहीं से निकल जाएगा हमारा चीजे. हाँ भाई क्या करना है बताओ अलमता, सोचो. माइक पे बोले अपने डब्बे के साथ. तो मतलब कि जो इस कार्ड में है वो आपको नहीं चाहिए और डील बॉक्स भी आपको नहीं चाहिए अगर 5 तोला निकलता है तो. ऐसा ही है ना? बोल दो ऐसा ही है. बोल दो ऐसा ही है. 5 तोला है तो फिर यही है. और 3 तोला है तो भी यही है. ठीक है ना भाई? हमारी बात बन गई जाज भाई आपके सामने कि अगर 5 तोला निकलता है तो भी आपका अपना डब्बा ही आपको चाहिए, और अगर 3 तोला निकलता है तो भी आपको अपना डब्बा ही चाहिए. ऐसा ही है ना? आइए देखते हैं क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर. क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर? बताओ. कुछ खाने का होगा. कुछ खाने का होगा. ओके ठीक है, आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है. मामू मामू मामू, अरे मामू मामू कह रहे हैं दो नंबर से. मामू कह रहे हैं दो नंबर. दो नंबर से चेंज करो. क्या अब कोई ऑप्शन नहीं है? अब जो है पकोड़े जब खा रहे थे ना तब ऑप्शन थे सारे. मामू अब किस्मत पे जाएं. आइए देखते हैं कुबरा ने जो एंजॉय किया ना, बिरयानिया पकोड़े खजूरे खाते खाते इनको तंग किया. अब इस डील बॉक्स से इनका कोई ताल्लुक नहीं है कुबरा. डील बॉक्स से इनका कोई ताल्लुक नहीं है. जो इनके डब्बे में है वो इनका है. 5 तोला निकलता है तो ये जीतते हैं, 3 तोला निकलता है तो आप जीतती हैं. खोले जा रहा हूं एक, खोले जा रहा हूं दो, तो फिर सारे मिलके बोलो, जोर से बोलो, बोलो. मतलब के 5 तोला और 6.25 लाख रुपए का ये सामान. 5 तोला होता है तकरीबन कोई 12-12.5 लाख रुपए का, और ये सामान मतलब कोई 18-19 लाख रुपए का सामान अगर आपके पास 5 तोला निकलता है तो आप ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब जो इस डब्बे में है वही आपका है. कुबरा क्या है इस डब्बे के अंदर? 3, मुझे लगता है 3 है. क्या है? क्या है? 3 तोला. मामू क्या है? 5 तोला. मामू फंसे हुए 5 पे. आइए देखते हैं भाई क्या है इस डब्बे के अंदर. क्या है इस डब्बे के अंदर? माउंटेन ड्यू. यार है तो पार है. आइए देखते हैं अब इसके अंदर 3 तोला है या 5 तोला है. जो भी है वो इनका है, तो फिर एक कुबरा 3 पे तुम और इजाज भाई 5 पे आप. लेट्स सी. सारे मिलके बोलो मैं बोलती रही. आपको
आपको 3 तोला बहुत बहुत मुबारक हो। मैं 2 से बुमरा, आपको ये 20 पॉइंट्स बहुत बहुत मुबारक हो। आपको दिखाते हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल का कमर्शियल और बनस्पति का कमर्शियल, कहीं जाइएगा मत। विल बी राइट बैक। जीतो पाकिस्तान। विग होटल की बोर्ड भाई कौन जीतना चाहता है? वो फिर लड़के कहां बैठे हैं? लड़के इजाज भाई, हमें एक लड़का चाहिए आपकी तरफ से और एक लड़का चाहिए आपकी तरफ से। आइए फटाफट से। कुबरा 40 पॉइंट्स पर हैं आप और 20 पॉइंट्स पर हैं इजाज भाई। कुबरा तुम जीत रही हो, तुम जीत रही हो। अभी भी 20 नंबर के गेम बाकी है इजाज भाई, 20 नंबर के गेम बाकी है। अगर आप यहां से भी जीते तो आप टाई कर सकते हैं। लड़के कहां बैठे हैं? निकालो लड़के, निकालो लड़के। गेम है ना, ऐसे रस्सी से फेंकेंगे। तुम लड़का तो निकालो, समझा देंगे, टेंशन नहीं है। हाँ भाई, हाँ भाई, 20 नंबर के गेम तो नहीं है, 15 नंबर के गेम है। कैसे बाबूजी, धीरे चलना, 10 नंबर का गेम है, वो हम एंड में खेलेंगे। अभी 5-5 के 2 गेम्स हैं। इजाज भाई, बहुत ही सिंपल सा गेम है, हम आपको समझाएंगे कि ये गेम कैसे होगा। सबसे पहले लड़कों के नाम पता कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। उस्मान। और दूसरा मेरा भाई सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। और मोहम्मद उस्मान, अब गौर से देखिएगा कि ये गेम कैसे होगा। कुबरा, आपने जिस लड़के को चुना है आप दूर से उसे देख रही हैं, अब देखिएगा कि ये लोग क्या करते हैं आपके लिए। याद रहे कुबरा, आपके 40 पॉइंट्स हैं और इजाज भाई आपके से सारे गेम जीतते हैं तो आप टाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक गेम भी जीत जाती है कुबरा, सो दैट इज गेम ओवर। ये देखिए ऐसे होगा ये गेम, एक लड़का एक हाथ में रस्सी पकड़ेगा और फुटबॉल पकड़ेगा और ऐसे कैप्चर करना है। जितनी ज़्यादा बॉलें आपने कैप्चर की उतना ज़्यादा मौका मिलेगा आपको वीगो टेल की मोटरबाइक यहाँ से जीतने का। आप में से कप्तान बॉल फेंक सकते हैं और दूसरा पकड़ सकता है, या आप बॉल फेंक सकते हैं और कप्तान जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो हम पुगम कर लेते हैं। कुबरा कम या जल्दी से आ जाओ, हम करेंगे पुगम। 5 नंबर का ये गेम वीगो टेल की तरफ से, जो जीतेगा वही खेलेगा। पुगमाओ और आप खेलेंगी। आइए फटाफट से, अब फैसला आप लोगों ने करना है कुबरा कि बॉल कौन फेंकेगा और रस्सी कौन पकड़ेगा। आप रस्सी पकड़ेंगी, ओके कुबरा, और आप बॉल फेंकेंगे। कुबरा ने मुश्किल काम पकड़ लिया है। वक्त आपके पास 1 मिनट का है। अब वो पकड़ेगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सचेंज कर लें। वक्त आपके पास 1 मिनट का है और आपका 1 मिनट का, ऊंचा करो ना, आपका 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अभी। चलो जल्दी से, जल्दी जल्दी, एक 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 एक, ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दो 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 दो, अरे ट्राई कर रहा हूँ ना। ओके 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 ओके, नो 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 नो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए भाई। 3 बॉलें हो गई हैं। ओए, 30 सेकंड बाकी है कुबरा, कुबरा 30 सेकंड बाकी है। वेरी गुड वेरी गुड, 4 बॉलें हो गई हैं। जबरदस्त जबरदस्त, एक वक्त में 1 बॉल कुबरा, 5 बॉलें सारे मिलके 10। भाई आखिरी वाली बॉल मानू के ना मानू, तो फिर 8 बॉलें जमा किए, ताली होनी चाहिए इनके लिए। एजाज असलम, चेहरे पर परेशानी आ गई है, लंबे हाथों का फायदा उठाएं, कानून को अपने हाथ में लें। 1 2 3 स्टार्ट। नो, इनके बस का लग नहीं रहा। नो 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 नो, एक 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 एक, दो, तीन, नहीं 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 नहीं, 4,
बहुत अच्छे हैं जहाज भाई, पांच छह, नो 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 नो, सारे मिलके टेन नाइन एट, एक और एक और एक और, गेम टाई हो गया। ये बाइक किसको चाहिए? गुड गेम, गुड गेम। हाँ भाई किसको दें? भाग जाओ, उससे वादा किया था हमने, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। पाकिस्तान का अपना मोबाइल बिग होटल बैठे, तुम्हें दो बाइकों का वादा किया था ना, तो एक पे तुम हमारे साथ बैठो, एक पे ये बैठेंगे, आ जाओ भाई दूसरी बाइक, सूफी की बाइक निकालो, सूफी की बाइक निकालो, जल्दी बाइक निकालो, कोई भी सूफी सूफी सूफी, चलो बैठ जाओ बच्चे, आ जाओ सुपर मॉम्स की सुपर चॉइस, चले तो फिर चलो लगाओ धक्का, ये हुई नमाज, जबरदस्त जबरदस्त, तो बताइए पे पाक की मोड़ भाई कौन जीतना चाहता है? ये मियां बीवी कहां बैठे हैं? मियां बीवी इजाज भाई ये बाहर तो गए, कुछ नंबर ही ले लें, कुछ अच्छे से आ रहे हैं आप, मियां बीवी को निकाले आप, कुबरा कुबरा यंग मियां बीवी चाहिए, यंग मियां बीवी, एंड मुबारक हो आप जीत गई हैं, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ, हाँ भाई निकाले, तुम्हारी नजर कमजोर है, अब हो रही है, है ना, तो अब तुम्हें चश्मा लगाने की सख्त जरूरत है, हाँ भाई बताओ कहाँ पर आएंगे? ये दोनों, ये वाले ठीक है, हाँ देर ओके देर ओके, हाँ आ जाए आ जाए आ जाए, आप दोनों काले काले, हाँ हाँ नहीं नहीं मैंने ब्लैक वालों को बुलाया, ब्लैक वाले इस फाइन, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ मैं क्या करूँ, कुबरा की नज़र कमजोर है, उसकी आप लोगों पर नजर नहीं पड़ रही है, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है, जीत कर कुबरा जो है मगरूर हो गई है, अब देखते हैं क्या, वो देखो वो बेचारे अफसरदा घूम रहे हैं इधर से उधर, आइए फटाफट से आ जाइए भाई, सूरत हाल कुछ ऐसी है, पे पाक की तरफ से ये गेम है और अल्लाह ही जाने कि इस गेम में क्या होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा गेम है, मैं आपको समझाऊंगा कि करना क्या है, मियाओं के लिए काफ़ी मुशक्क़त वाला गेम है, वो वाले बेटा वो वाले, वो तो मियां बीवी के लिए काफ़ी सारी मुशक्क़त है, इस गेम के अंदर हम आपको समझाएंगे कि करना क्या है, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशान। और भाभी आपका क्या नाम है? नीता। अच्छा वेरी गुड, सर आपका क्या नाम? बिलाल। और आपका क्या नाम है भाभी? भाभी अमीन। भाभी अब गौर से सुनिए करना क्या है, आपके ये मियाँ आपके लिए चांद तो तोड़ के नहीं ला पाए, लेकिन आज आपके लिए उस वाले जाल से बोरियां निकाल निकाल के बाहर लेकर आएंगे, अब करना क्या है, ये लोग इस अंदर इस नेट के अंदर कूदेंगे और वहां से जाके एक एक करके बोरी बाहर फेंकेंगे, बोरी के साइड पे एक पॉकेट है, उस पॉकेट में एक चाबी होगी, आप वो चाबी निकालेंगी और यहाँ पर आकर इसका ताला खोलने की कोशिश करेंगी, अगर खुल गया तो आपको मिल जाएगी एक अदद पे पाक की तरफ से मोटरबाइक, अगर नहीं खुला तो फिर ये दोबारा एक बोरी फेंकेंगे और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा जब तक के चाबी से ये ताला नहीं खुल जाता, ओके, तो मर्द हजरात आ जाएं उस तरफ, मर्द हजरात चले जाएं उस तरफ, भाभियों याद रहे एक बोरी एक वक्त, क्या कह रहे हो, आई लव यू, अच्छा किया अच्छा किया, ओके, सो कुबरा आपकी टीम आपकी तरफ है, आप इनकी मदद कर सकती हैं चाबी निकालने में और आपकी मदद कर सकते हैं आपके कप्तान चाबी निकालने में, याद रहे एक वक्त में एक बोरी बाहर फेंकेंगे और इंतजार करेंगे कि जब तक वो आपको कह नहीं देती कि इसमें है या नहीं है, फिर दूसरी बोरी फेंकेंगे, ओके, वक्त आपके पास है 2 मिनट का, आपका 2 मिनट का वक्त शुरू होता है अभी, चलो जल्दी अंदर अंदर, चूज होप चूज पे पाक, अरे ये लड़का तो अंदर ही नहीं जा पा रहा है, चलो 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 बस 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 रुक जाओ बोल रुक जाए अभी,
चाबी निकली, आपके में चाबी है, इजाज़ भाई नहीं है, फेंको फेंको फेंको, चूज हो चूज पे बात। भाभी जरा स्लो है लेकिन कुबरा जरा तेज है, चलो 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 जल्दी जल्दी, ओए बचत हो गई कुबरा की। इजाज भाई भाभी वो है, भाभी वो है, आप भाभी नहीं है। जल्दी जल्दी, अभी तक निकले ही नहीं, मेरा नहीं दूर है, ये है ये, चलो चलो जल्दी, अरे यार जल्दी जल्दी, अरे यार जल्दी, चलो 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 इजाज भाई चलो 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 इजाज भाई चलो, चाबी लगाए चाबी लगाए, और इजाज भाई की टीम की चाबी खुल गई है, इसका मतलब है पेपा की मोड़ बाइक आपको जाती है, आइए आइए आइए। आइए सर आइए, तशरीफ रखिए। वैसे तो भाभी का काम ये कर रहे थे, बैठना तो आपको इनके साथ चाहिए, नहीं नहीं आप बैठे आप बैठे, आइए भाभी आइए 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 आइए, नहीं नहीं आप बैठे आप बैठे, अरे आप आ, आ जाओ, बेचारे ने इतनी मेहनत की आपके लिए, चूज हो चूज पे बात। तो बताइए बेक पार द पास्ता की तरफ से बाबूजी धीरे चलना कौन खेलेगा मेरे साथ, हमें चाहिए दो लड़के 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 लड़के, समझाऊंगा समझाऊंगा, बैठो बैठो, मुर्गी और मुर्गे का खेल है कुबरा, बैठे ढूंढने, ये आपने इनसे मुर्गियां ढूंढवानी हैं, हमारे पास मुर्गे भी हैं और मुर्गियां भी हैं, एक एक लड़का आप लोग बुलाएंगे इजाज भाई और कुबरा, और उनकी आंखों में बांधेंगे पट्टी और आप उनको समझाएंगे कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है, तो एक एक लड़के निकालिएगा, चेक करेंगे चेक करेंगे, ये मुर्गा है ये मुर्गी है, क्योंकि मुर्गियां ज्यादा हैं और मुर्गे कम हैं इसलिए। हाँ भाई कहाँ है लड़के, बुलाए कि नहीं बुलाए, हो गए इजाज भाई आपने बुला लिया और कुबरा तुमने बुला लिया। अच्छा भाई इजाज भाई ये खेल 10 नंबर का खेल है, 10 नंबर, 25 के साथ आपका 35 भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा डिग्निटी के लिए भी खेलता है आदमी, तो अभी वो वाला मामला है, रन रेट आपका अच्छा रहेगा अगले मैच की प्रैक्टिस। हाँ अगले मैच के लिए आइए आइए। कुबरा ये लड़का किसने बुलाया, ये इजाज भाई आपने बुलाया, ये लड़का किसने बुलाया, ये लड़का आपने बुलाया, क्या नाम है लड़के तुम्हारा? अनस अलवी। अनस शफी, और आपका क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद अर्शियान। मोहम्मद और अनस, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपकी आंखों पर पट्टी होगी, आपको जो आवाज आएगी वो अपने अपने कप्तान की आएगी, आपको आएगी कुबरा की और आपको आएगी इजाज भाई की, जहां वो जाने के लिए बोले वहां जाना है और जो उठाने के लिए बोले वो उठाना है। ओके इधर आओ कुबरा, हम करेंगे पुगम, लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है, पहले कौन खेलेगा, लेट्स सी, पहले कुबरा खेलेगी। कुबरा के कंटेस्टेंट पर आप पट्टी बांधे, मतलब उनकी आंखों पर पट्टी बांधे, आइए फटाफट से कुबरा, याद रहे लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे पीछे सज्जा खब्बा वट एवर यू वांट टू यूज, आपने इनसे ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां, हमारी मुर्गियां गिरा दी, हाउ डेयर यू, मुर्गी उठानी है ना, हाउ डेयर यू, आपने इनसे मुर्गियां उठवानी है, ये वाली ठीक है, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है, वो मुर्गी है, दूर आओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, वक्त है आपके पास, अनस अगली आवाज जो आएगी वो आएगी कुबरा की, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सीधा सीधा मैं जा सकती हूं, आगे नहीं जा सकती, आगे राइट राइट हो जाए, राइट हो जाए, राइट राइट आगे सीधा 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 चलते रहे चलते रहे, ये इशारा अगर उसको दिख रहा होता ना तो क्या ही बात, राइट 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 और राइट और राइट और राइट और राइट हो जाए, और हां ये देख ये क्या है, मुर्गा है ना, आगे बढ़ो आगे आगे, राइट 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 सीधे हाथ, सीधे हाथ, सीधे हाथ, सीधे हाथ, हां सीधे हाथ, अब बस ये मुर्गा मुर्गा आगे, हां ये ओके, अब लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, उल्टे हाथ उल्टे हाथ, आ जाए आ जाए आ जाए,
रुक जाए, राइट राइट राइट, हाँ आगे 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 आगे, हाँ उठा ले उठा ले उठा ले, अब राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट, सीधे चल जाए चले, अब राइट हो जाए राइट हो जाए, मुझे मत उठा लेना, राइट राइट आते जाए आते जाए, राइट सारे मिलके काउंटडाउन देंगे और लेफ्ट 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 लेफ्ट, भागे 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 भागे, आगे 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 आगे, उठा ले उठा ले, आगे आगे और आगे और आगे, उठा ले उठा ले, ये हो गया ठीक है, ओके ओके, इधर आओ अनस, इधर आओ, एक मुर्गे पर एक मुर्गी माइनस होगी, ठीक है, यस ऑफ कोर्स, अब देखते हैं आपने कितनी मुर्गियां निकाली हैं, एक व्हिच वन वाज द मुर्गी, और दो और तीन और चार, जो अंडे देती है वो मुर्गी होती है, जो अंडे नहीं देता वो मुर्गा होता है, ये तो रंग बिरंगा क्यों है, इसका मतलब है कि ये हो गई माइनस और तीन मुर्गियां आपने लिए, तालियां होनी चाहिए इनके लिए भरपूर, अब देख मजा तब आएगा जब अदनान सिद्दीकी खेलेंगे ये वाला गेम और मुर्गियां पकड़ेंगे, कुबरा वेल डन, आइए इस तरफ, इजाज भाई इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, पिछली टीम का रिकॉर्ड है तीन मुर्गियां को, आपने चार करनी है, एक दो तीन स्टार्ट, सीधा 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 सीधा, अपने अपने राइट पे जाओ, थोड़ा सा झुको, नीचे झुक जाओ भाई, और थोड़ा और हाँ थोड़ा सा हाथ पीछे करो, ये उठा लो, वेरी गुड वेरी गुड, सीधा 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 सीधा, आते जाओ आते जाओ, झुक जाओ, तुम्हारे राइट हैंड पे पड़ी है मुर्गी, थोड़ा सा आगे करो, हाथ लंबा करो थोड़ा सा, हाँ ये अब घूमो थोड़ा सा, बहुत अच्छे, दूसरी तरफ घूमो, दूसरी तरफ दूसरी तरफ, नहीं नहीं पीछे जाओ पीछे, हाँ सीधा चलो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बैठ जाओ राइट हैंड पे, थोड़ा सा और, हाँ अब आप सीधा 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 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और एक कदम बस रुको, राइट हैंड पे है मुर्गी थोड़ा, हाँ इधर, बहुत अच्छे यार बहुत अच्छे, सीधा सीधा जल्दी, राइट मुड़ो राइट मुड़ो राइट सीधा, जल्दी 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 सीधा, आते जाओ आते जाओ, बैठो लेफ्ट पे लेफ्ट हैंड, हाँ और सीधा सीधा मुड़ जाओ राइट हैंड मुड़ जाओ, ओके ओके भाई, कितनी मुर्गियां हो गई, अब चेक करते हैं कि कितनी मुर्गियां हो गई, इजाज भाई याद रहे 10 पॉइंट्स का ये गेम है, एक दो तीन चार और पांच मुर्गियां, इसका मतलब है ये वाली मोटर बाइक आपको जाएगी, आइए आइए बड़ा बच्चे, बहुत बहुत मुबारक हो, बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट, बैठ बैठ क्यों, आज का मैच कुबरा आप जीत गई है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वेल प्लेड इजाज भाई, कल आप लोगों से मुलाकात होगी, जीतो पाकिस्तान।